जी हमने 28 लाख में बंगला खरीदा है आपसे। हम लोग थोड़ी सी देर हो गई, हम बस पहुंच रहे हैं जी एडवांस लेके आपके पास फौरन। जी भले मानस आदमी, आप कौन हैं? किस बंगले की बात कर रही हैं जी? हाँ, वो जिस बेगम साहबा ने बंगला खरीदा जी, वो तो मेरे सामने जलवा फरोज है 28.5 लाख में। जी शौकत जी, शौकत किसी ने वो बंगला 28.5 लाख में खरीद लिया। शुक्र है, मैं समझा तो इस शहर में तुम ही सबसे बड़ी बेवकूफ हो, लेकिन इस शहर में बड़े बड़े बेवकूफ पड़े हुए हैं। मेरा मतलब उस बेवकूफ को ऐसे नहीं करनी चाहिए था। हाँ। सुने जी, मैं 29 लाख दूंगी। देखो 29 लाख? छोटे, ओ छोटे बेटे, 1 सेट चाय और मिठाई 1 किलो बेगम साहबा के घर भिजवा दो। हाँ जी, बेगम साहबा घर पहुंच रही है जी। उन्होंने बंगला जी 29 लाख में खरीद लिया है। ये तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। 29 लाख 10 हजार। 29 लाख 10 हजार होगी जी कीमत? जी मैं 29 लाख 20 हजार दूंगी। 20 हजार? 29 लाख 20 हजार देंगी जी वो? 29 लाख 20 हजार? 29 लाख 50 हजार? 29 लाख 50 हजार जी, बोली बढ़ गई, 30 हजार इकट्ठे बढ़ा दिए उन्होंने। आज बोले बोले बोले, करोड़ों का बंगला 29 लाख 50 हजार में जा रहा है जी। 29 लाख 60 हजार? बोली और बढ़ गई जी, 29 लाख 60 हजार हो गए। 60 हजार? 29 लाख 60 हजार? 30 लाख? बल्कि वो 30 दे रही हैं। वो 30 लाख दे रही हैं? मैं हेलो, ओ भाई बोलने तो सही, 30 लाख में जा रहा करोड़ों का बंगला, मुफ्त है ये, मुफ्त। कट गया, कट गया, बुरा वक्त कट गया। हेलो, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। मुबारक हो जी, बंगला आपका हुआ बेगम साहबा। बिस्मिल्ला करके बयाना दे जी। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। और इन कागजात पे आप यहां यहां दस्तखत कर दें जी। 3 दिन के अंदर अंदर आपको बकाया रकम अदा करनी है, और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स बमै रजिस्ट्री मुकम्मल करके मैं आपके घर हाजिर हो जाऊंगा जी। शुक्रिया जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सदके जाऊं, पता तो यही है। वाह मेरे अमाल का, अगर साल में एक आध गाहक ऐसा मिल जाए ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाय हाय, अब मैं गाड़ियों के नीचे नहीं बल्कि गाड़ियां मेरे नीचे होंगी, और गाड़ी भी लूंगा मैं अपने मेयार के ऐन मुताबिक, क्योंकि सियाने कहते हैं गड्डी और बुड्ढी वो लो जिसके पास खड़े हुए मालक लबो। ये तो बात है, मैं सदके, मैं कुर्बान। आ चल हाँ मेरी जान। आइए कैश साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पता तो यही है, मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया जी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। अजी अब्बा जी, कैश साहब। अस्सलामुअलैकुम जनाब। फिर आप 20 लाख के अंदर दे रहे हैं बंगला? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? छोटे, 1 सेट चाय और मिठाई। वैसे जी जहां तक मिठाई का तौलक है वो आपसे जरूर खाएंगे, लेकिन आप हैं बड़े मजेदार आदमी। देखिए, खाने पीने के जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो हर एक बात जो उनको अच्छी लगती है मजेदार कहते हैं, बेशक गाड़ी हो। आजम जरा चाय का इंतजार। जी जी। अच्छा जरूर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी को मिलने नहीं आया, मैं पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। आपने कागजात पूरे कर लिए? जी कागजात मुकम्मल है। ठीक है कैश साहब, हम आपको अभी कैश करके देते हैं।
या अल्लाह, या ये बंदे गलत हैं या मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। शौकर देखो कौन आया। या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। शौकर देखो ये खुद हमें बंगला देने आ गए। मेरा अंदाजा गलत हो गया कि इस पूरे शहर में तुमसे बढ़कर ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरा मतलब कि तुमसे ज्यादा बढ़कर कोई नहीं है। आप कागजात तो लेके आए ना, आप प्लीज यहीं रहिएगा। एक्चुअली मुझे वो बंगला बहुत पसंद आ गया था, इतना पसंद कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं पेमेंट लेके आ रही हूँ, आप यहीं ठहरिएगा। अब्बा जी, सलमा जी। जी कागजात तो मुकम्मल हैं, अब आप जल्दी से मेरी पेमेंट कर दें जी, मेरी बिस्ती का टाइम हो गया। माफी चाहना, मेरी बिक्री का टाइम है, दुकान पे अकेला। तो आप बताइए आप क्या खाएंगे, पिज्जा खा लेते हैं ना। जी मैं शर्म के अलावा सब कुछ खा लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी अब्बा जी से बात करती हूँ, आप फिक्र ना करें। ओहो मेरी बात तो सुने आप, प्लीज आप मेरी बात तो सुने जी। अब्बा जी आ गए। ये है वो प्रॉपर्टी डीलर जिनका बंगला मुझे बहुत पसंद आया। भाई फिर तो तसलमा तुम्हारी पसंद मेरी ही पसंद है, क्योंकि मुझे भी इनका बंगला जो है वो पसंद आया। नहीं सर मेरी बात सुनिए, बात ये है कि ये तो हमसे डील करने आया है, क्योंकि इनका बंगला तो हमने पसंद किया है। हाँ अब्बा जी, इतनी मुश्किल से हमने 30 लाख में तय किया। 30 लाख में? हाँ। लेकिन ये तो हमें 21 लाख में दे रहे थे और हमने नहीं लिया। बड़े बुरे हैं। संभल भाई, ये तुम ही कर सकती हो वैसे। है ना, मैंने तो पता 27 लाख में डील कर ली थी, लेकिन किसी स्टुपिड सी बेगम का फोन आ गया और उसने 28 लाख की बोली लगा दी। मुझे क्या पता था कि वो बंगला आपने पसंद किया, वरना मैं उसकी कीमत 28 लाख कभी ना लगाती। सलमा तुमने किया है ये, तुमने इसकी कीमत 28 लाख कर दी। बताया मुझे क्या पता था कि आप भी बढ़ 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 के बोलियां लगाएंगे। भाई मिस्टर कैश, अब इस सारी बहस के बाद आपका जो घर है वो 15 लाख से ज्यादा का नहीं बना। कमाल बात कर रहे हैं बुजुर्गवार, कौन सा 15 लाख, कौन सा बंगला। ये इधर देखें, ये अल्लाह की मेहरबानी से 30 लाख में बिक चुका है। किससे खरीदा? बेगम साहबा बोली तो ना बने आप, आपने खुद 1 लाख रुपया मुझे एडवांस दिया है और बाकी ये अपने दस्तखत पहचान के बताएं स्टाम्प पे। मेरे ही है सर। आपके है ना। अगर कोई हैंकी फैंकी हुई ना तो जहां तक अदालत का तअल्लुक है मैं 1 मिनट में वहां जाता हूँ। आप ये ज्यादती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। सिंपल तुम तो क्या करूं, मत बोलो प्लीज। मैं तो ये भी नहीं कह सकता। अब्बा जी ये जो है ना हमें बेवकूफ बना रहा है। ये नहीं बना रहा, अल्लाह ने बनाया। बहरहाल बुजुर्गवार मैं आपका एहतराम करता हूँ, सिद्के दिल से इज्जत करता हूँ। अब आप रकम के बारे में बताएं कि वो मुझे पेमेंट होनी है या मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ठीक है कैश साहब, आपको आपकी रकम कल मिल जाएगी। और आप उसकी बात है, आप माशाल्लाह बड़े खरे आदमी हैं जी। बस जी आप कागजात मुकम्मल करें तो हम आपको। हेलो, पहचाना आपने मुझे? नहीं पहचाना। शुक्र है। जो सामने बंगला है वो आपका है? असल में मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि हम ऐसा ही बंगला खरीदे, मैं उसकी ख्वाहिश पे ये बंगला खरीदना चाहता हूँ। ये बंगला अब हमारा है, आप ऐसे करें आप हमसे डील करें, इनसे नहीं। ठीक है, मैं 40 लाख से कम नहीं दूंगा। डन है। बुजुर्गवार क्या बात कर रहे हैं आप, डन है कैसे डन है, अभी तो बंगला मैंने आपको बेचा नहीं, ये बंगला मेरा जाती है। नहीं बयाना हुआ है, कागजात साइन हुए हैं। ये नहीं जी, बिस्मिल्लाह करके अपना बयाना वापस। शिक में लिखा है कि जितना बयाना आप वापस करेंगे उसके साथ उतने ही पैसे और देने पड़ेंगे। को फकीर फुक रहे हैं हम, ये ले डबल। नहीं पहचाना। एक्टिंग, अगर यही एक्टिंग मैं हॉलीवुड में करता ना तो मुझे इसके लाखों करोड़ों पता नहीं कितने डॉलर पाउंड मिलते, लेकिन यहाँ तो दादाजी ने मुझे सिर्फ 200 रुपए ही दिया है, मौला खुश रखे। मामा क्यों ना मैं अपनी ऑडियो एल्बम रिलीज कर दूं, इससे तो मेरी आवाज अच्छी है, मेरी आवाज सुन के लोग चलते चलते रुक जाते हैं। तुम्हें चुप कराने के लिए। नुसरत तुम्हें मुबारक। मेरी अखबार में तस्वीर छपी,
अखबार में सीनियर सिटीजन का पेज भी आता है। शुक्र है नुसरत कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हारे स्टार्स के हिसाब से आज तो तुम्हारी तलाक होने का खदशा था। मामा मेरा क्या लिखा है? बॉबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बॉबी मामा मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। इसीलिए शर्म आनी चाहिए। बॉबी इसमें लिखा है कि तुम लड़कियों के पीछे फिरते हो। ये अखबार वालों को मेरी रूटीन का कैसे पता चल गया? मामा मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ये अखबार वाले गलत कहते हैं। मैं लड़कियों के पीछे तो नहीं फिरता, मैं तो उनके आगे फिरता हूँ। इसीलिए आज सुबह सुबह ये कपड़े बदल रहा था। हैं? बॉबी तुमने आज फिर कपड़े बदल लिए? अभी पिछले महीने तो तुमने बदले थे। मामा आपका क्या लिखा है? मेरा आपका तो लिखा है आप आज कोई अजीम काम करने वाली हैं। वही रोज की रूटीन। नहीं नहीं मामा, हो सकता है कि मामा कोई इजाद करें, कोई दरियाफ्त भी कर सकती हैं। क्यों मामा? अभी करती हूं। ये क्या करने लगी हैं मामा? मैं मिसेज अशरफ की खैरियत दरियाफ्त करने लगी हूँ, तुमने खुद ही तो कहा है। नहीं बड़ी दरियाफ्त जैसे कोलंबस ने की थी, उसने भी तो अमरीका गलती से दरियाफ्त किया था ना। इसीलिए मामा मुझे गलती नहीं करने देती ताकि मैं भी अमरीका ना दरियाफ्त कर लूं। वैसे सुंबल ये सितारे बिल्कुल सही होते हैं, तुम यकीनन कोई अजीम काम करोगी। अच्छा भाई देखो मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, जिस वक्त भी मैं कोई अजीम काम करने लगूं प्लीज मुझे बता जरूर देना प्लीज। हाँ ठीक है। देखो कौन है। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना? पहचान लिया। तशरीफ रखें। तशरीफ रखो, इसका मतलब नहीं पहचाना। बीबी जी मैंने आपके कितने काम किए, पर आज मैं आपसे एक अजीम काम करवाना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला खुशिया कि आज मैं कोई अजीम काम करने वाली हूँ? बीबी जी मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया जी, मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। ये जो टोपी मैंने पहनी है बीबी जी, ये मैंने इसलिए पहनी है कि लोग ये ना कहें कि इसके पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कुछ आधी रुपए पैसे के लिए नहीं करना चाहता बीबी जी, रुपया पैसा तो इससे कम शरा सूद पर भी मिल जाता है। तो फिर क्यों शादी करना चाहते हो तुम? स्वभाव के लिए जी। देखने जी जो मेरे साथ शादी करेगी उसे स्वभाव ही मिलेगा जी। अच्छा पहली बीवी ने तुम्हें तलाक दे दी? आपको मेरे चेहरे की ताजगी से लगा होगा। भाजी कोई ऐसी बीवी मिल जाए जो हसीन हो, मालदार हो और बेवकूफ हो जी। बेवकूफ क्यों? बेवकूफ हसीन मालदार होगी तो मेरे साथ शादी करेगी ना। कोई लड़की नजर आई? मुझे तो आजकल लड़कियां ही नजर आती हैं बीबी जी। बीबी जी आप मेरे सर पे हाथ रख दें, आप तो मेरी बड़ी हैं। क्या खबरदार जो तुमने मुझे बड़ी कहा, तो अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हमारे यहाँ तो शादी से पहले लोग बड़े हो जाते हैं जी। मेरा मतलब है बीबी जी मेरी मदद करें ना। अच्छा भाई तुम पहले लड़की तो पसंद कर लो, फिर हमसे जो बन पड़ेगा हम कर देंगे। अगर मेरी माँ होती तो आज वो भी यही कहती। क्या? हाँ जी क्यों जी? अच्छा जी वो बात इस तरह है जी कि जब से मैंने शादी का दफ्तर खोला है ना जी, तो लोगों ने शादियां करवाना छोड़ दी है जी। हाँ जी शादी का आधा काम तो जी ठप हो गया मखलूत तालीम की वजह से। हाँ जी मेरा ख्याल है कोई ग्राहक आया हैगा, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता है। आइए जी आइए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। हाँ जी सर जी पहली दफा हमारे आने के ऊपर किसी ने बिस्मिल्लाह कहा है। यहाँ तो रोज आना चाहिए। कैसे आए हैं जी? रक्षे पर। सर जी जरा नजर मारे, इधर तो शादियों की सेल लगी हुई है, हम भी ना करवा लें? ना, शादी एक भी बहुत होती है, दो शादियां ना ना, दो अफसरों का मुलाजम बड़ा खज्जल होता है, रोज लड़ाई। वैसे सर जी मेरी शादी को एक दो तीन चार पूरे 11 महीने लग गए हैं, लेकिन मेरी अपनी बीवी से सिर्फ एक ही दफा लड़ाई हुई है। 11 महीनों में एक दफा लड़ाई, बड़ी बात है। सर जी हुआ ये था कि वलीमे वाले दिन ना मेरी अपनी बीवी के साथ तू तू मैं हो गई थी,
तो तब से वो अपने माँ बाप के घर गई है तो फिर वापस नहीं आई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं गए जी? मसार जी, खिदमत का कह रहे हैं। ओ, नहीं जी, खिदमत क्या जी, बस हमें कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दें। वो जी मेरी बेटी के लिए। हाँ जी। लड़का ऐसा हो कि हमारे घर में रहे, जब कहें तब बोले, हर मौजू पर सियानी सियानी बातें कर सके, बच्चे बूढ़ों जवानों से अच्छी गुफ्तगु करे, उनको खुश रखे। सर जी, टीवी की दुकान बराबर में है। बच्चे की तस्वीर लाए हैं कि जी? हाँ जी, क्यों नहीं जी। अपना यार सर जी, तस्वीर मिल गई है, ये है। सर जी, ये तो उस फराटिए की तस्वीर है जो शादियां करके बीवियों का माल लेके खिसक जाता है। इतनी शादियां करके इंसान अच्छा भला खिसक ही जाता है। ये ले जी ये तस्वीर, फैमिली वाले राबता करें। हैं? जिनकी पहले फैमिली हो सर जी? बेवकूफा, सिर्फ लड़के के घर वाले मिले। अच्छा जी, वो कब मुखबरी करेंगे जी आप? मुखबरी जी? सर जी का मतलब है कि हमें कब खबर मिलेगी? जब भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा ना जी, तो मैं आपको इतला कर दूंगा जी। कोई चाय पानी अपना है? इस काम का भी चाय पानी? सर जी, सिर्फ रिज़्क़ हलाल खाते हैं, घर का कभी कभी खाते हैं। सर जी उठे, जल्दी करें, हमने अभी ये मुजरम भी पकड़ना है। अपना रजिस्ट्रेशन फीस थी। अब नहीं, कोई बात नहीं है जी, एक कार वाली बात है जी। हाँ जी, ठीक है जी। जो भी आता हैगा मुफ्त लगा के जाता हैगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना? नहीं पहचाना। मैं शादी करना चाहता हूँ जी। मुबारक हो। मुबारक नहीं जी, खुशिया। खुशिया बीए, बैचलर अगेन। बीए? एमए हो जाऊंगा जी, एमए मैरिड अगेन। आपकी अपना तालीम क्या है? तालीम के मामले में मैं जी फिल्मी हीरो हूँ। अच्छा, अंडर मैट्रिक हो? भाई मैंने फिल्मी हीरो कहा है, फिल्मी हीरोइन नहीं कहा। सिर्फ मैट्रिक नहीं जी, डबल मैट्रिक। जिस तरह डबल एमए होता है ना, इस तरह डबल मैट्रिक भी होता है। मौला मुझे रखे, मैं मैट्रिक और भी कर सकता था, पर मेरे वाला साहब ने मुझे उठा लिया, उसके बाद किसी ने बिठाया ही नहीं। बैठ जाओ। आपका बिजनेस क्या है? अपने जहाज चलते हैं जी, कागज के। आप इतने अमीर हैं गे? इतने नहीं जी, इतने से ज्यादा के। छोटा मोटा नुकसान तो मैं फील ही नहीं करता है जी। टाइटैनिक डूब गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ, पर मैं नहीं घबराया। टाइटैनिक डूबने से आपका कैसे नुकसान हुआ है? देखे जी, जब अपना टाइटैनिक डूब रहा था ना, तो मैं जहाज की तरफ देख रहा था, मेरी कोई जूती उठा कर ले गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्म देखते वक्त ना जूती उतारनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखते ही बंदे का जूती उतारने को जी चाहता है। आपको लड़की कैसी चाहिए हैगी? मेरे पास आपके लेवल का रिश्ता हैगा। जल्दी करें जी, मेरा वक्त बड़ा कीमती है। वक्त कीमती क्या मतलब हैगा? मेरा मतलब है जी, 60,000 की कड़ी है, एक एक मिनट 1,000-1,000 रुपए का हुआ ना। ये देखे हैं तस्वीर, मैं इसे कब मिल सकता हूँ? शादी के बाद। पर्दे वाली फैमिली हैगी? हमारी अपनी फैमिली बड़ी पर्दे वाली है जी। मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे अबू से तकरीबन 3 साल तक पर्दे में रही हैं। अब तो बेचारे दोनों नहीं रहे। आपके घर वाले लड़की को देख सकते हैं? बस, लड़की वाले जब आपको पसंद कर लेंगे तो फिर आपकी मुलाकात हो सकती हैगी हैगी हैगी। जी बड़ी खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी तरह? लेकिन आपने तो कहा बड़ी खूबसूरत है। लेकिन खुशिया, तुमने तो अभी लड़की देखी ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो खूबसूरत है? वो बीबी जी, वो कहते हैं कि सबसे पहले ना अपने घर वालों को लेकर आओ, वो लड़की देखेंगे।
कोई ऐसी सूरत निकाले बीबी जी कि मैं लड़की को करीब से देख सकूं। क्यों करीब से क्यों? मेरी दूर की नजर कमजोर है ना, इसलिए। बॉबी तुम आखिर सोचते क्यों नहीं हो? हैं? लग रहा है कि तुम पहले से ही कुछ सोच रहे हो। मामा मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे कुछ सोचना चाहिए। अपना लड़की वाले तो पहले से आए बैठे हैं। बैठी तशरीफ रखी बैठी। हाँ जी हम ना लड़के वाले हैं। पहचाना? नहीं पहचाना। ये ना लड़के के अब्बा हैं, अब्बा जी। लेकिन लड़के ने तो कहा हैगा था कि उसके वाले साहब जो हैगे वो मर चुके हैगे। मरा था? मेरी माँ पर। अब मेरा मतलब है कि खुशी है कि माँ पर। जी हाँ जी हाँ जी। ये लड़के की वालदा हैगी? तो मैंने पहचान लिया था। मैं कब कह रहा हूँ कि वालद है। ये मेरी बेटी चांदनी है, रात को पैदा हुई थी इसलिए मैंने इसका नाम चांदनी रख दिया। माशाल्लाह। इस हिसाब से तो बिल क्लिंटन जो है वो किसी महीने की पहली तारीख को पैदा हुए होंगे। पहली तारीख को क्यों? पहली तारीख को आता है ना बिल। आपका बेटा करता क्या है? ये जो भी काम कोई कहे वो कर देता है। लड़का? मैं सारे काम कर लेता हूँ, आप हुक्म करें। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा मतलब है अब्बा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा लड़की देख लूँ, मेरी दूर की नजर कमजोर है। चुप कर, लड़कियां नहीं बोला करती ना। आप लड़के की क्या लगती हैं? ये मेरी बहनें हैं जी, दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी एहतराम की जगह है। हम आपसे बड़े हैं? क्या हो गया बीबी जी, मौका भी तो देखे। मेरी खुशिया की बहनें हैं जी, खुशिया की बहनें हैं। चुप कर, लड़की है नहीं बोला करती। तस्वीर मिल जाती ना जी। बीबी जी मेरी तस्वीर की बात कर रही है। आपकी तस्वीर? आपकी तस्वीर हमने क्या करनी? असल में मेरा बेटा जो है ना वो हू मेरे जैसा है। मुझे निकालें उसे छुपाएं, उसे छुपा लें मुझे निकालें, बात बराबर ही है। घबराना नहीं हैगा, लड़का इन जैसा नहीं, खूबसूरत हैगा। अम्मी मैं तुझको कहती हूँ चुप रहे ना, लड़कियां नहीं बोला करती। कितनी देर से बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आप उसकी बात क्यों नहीं सुन लेती? हाँ बेटा बोलो क्या बात है? अम्मी मुझे प्यास लगी हुई है। बीबी जी लड़की मुझे पसंद है। हाँ हाँ बीबी जी, ये बेटियों को बीबी जी कहते हुए पहली बार सुना। जी मैं एहतराम से कह रहा हूँ, इज्जत जो होती है वो घर से शुरू करनी चाहिए। बच गए। बॉबी तुम्हारी भाभी खूबसूरत है, मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है बाबा जी भी लड़के पे गए हैं। आप लड़के की तस्वीर दे देते जी, वो लड़की देख लेती फिर उसका वालद देख लेता तो ठीक हो जाता। खुशिया तुम्हारे पास तुम्हारी कोई तस्वीर है? खुशिया के बाप है। ओ आपके पास कोई आपके बेटे की तस्वीर है? ये तो मसला ही कोई नहीं। आपने अपने बेटे को कहना हैगा कि हफ्ते को 3 बजे अपनी तस्वीर लेके आ जाए, और आपने हफ्ते को अपने अहले खाना और लड़की के वालिद साहब के साथ तशरीफ लानी है। अफसर अरे तू इतना अकड़ अकड़ के क्यों चल रहा था? तुम ड्यूटी पर नहीं हो,
मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता मुलाजा करने जा रहा हूँ। सर जी, आप मुझे इसलिए साथ लेके जा रहे हैं ना कि साथ में एक सियाणा बंदा होना जरूरी है। सर जी, आपसे सियाणा पता कौन हो सकता है? आप तो देखे ना, बंदे को देख के पहचान लेते हैं कि इसकी जेब में क्या होगा। कोई अफसर ये बता कि हम शक्लों से रोबदार लगते हैं ना? हाँ जी सर जी। वैसे सर जी, सोबत का बड़ा ही असर होता है। अब देखे ना, हम सारी जिंदगी चोरों डाकुओं के साथ रहते हैं ना, तो इसलिए हमारी शक्लें। कोई अफसर, ये बंदा कहीं देखा देखा लगता है, ये बंदा ठीक नहीं है। सर जी, जिसको हम देख लें तो वो भला ठीक कैसे हो सकता है? सर जी, ये तो वही है, वही है जिसकी बीवी ने रिपोर्ट लिखाई है कि घर से नकदी और जेवर लेके गायब हो गया है। ये तो गायब हो गए। ओ स्यापैया भाई, सर जी इसको जादू आता है, नहीं तो बंदा भला गायब कैसे हो सकता है? आओ सर जी। पहचाना? नहीं पहचाना। हाँ बच्चू, पहचानेगी तो अब तुम्हें तुम्हारी बीवी। क्या मतलब सर जी? ओए अफसर, मैं हूँ कि तुम? सर जी आप तो फिर पहले मुझे डांटने दो। क्यों ओए? शादियां करते हो? शादियां करता इसीलिए पहचाना है। तो क्यों सर जी, एक बात तो बताएं। हाँ? शादी पर कौन सी दफा लगती है? और शादी के बाद कभी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने दफा कहा है? कई बार जी। तो बस फिर दफा तो लग गई ना। और तुम्हारी बीवी ने बच्चू तुम्हारे लिए रपड़ दर्ज कराई है। ये देख तस्वीर कैसी है। सर जी फोटो तो आपकी भी बड़ी अच्छी आती है, मानते बड़ा फोटो जैनक चेहरा है आपका। कहता तू ठीक है। सर जी वैसे बंदा बहुत ही साफ गो है। सर जी एक बात बताओ, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। ईमान से आप शक्लों से फिल्मों के हीरो लगते हैं, जाओ बता दिया आपको। मैं चाहता हूँ आपकी एक एक फोटो बन जाए। क्यों? और सर जी आप रोज रोज बड़े बड़े मुजरम नहीं पकड़ते? हाँ जी, वैसे भी ना ये सर जी ने इतने इतने बड़े मुजरम पकड़े हैं। देखे ना, जब आप मुजरम पकड़ते हैं तो आपकी फोटो जो है वो अखबार में छपती है, और अखबार में कोई ऐसी वैसी तस्वीर हो तो अच्छा नहीं लगता। हसीन नौजवान, दो दो तस्वीरें, दो नौजवान, दो सिपाही, आए कितने मजे आता जी। सर जी मेरे सामने आपकी फोटो बन जाए। अच्छा आओ जी। ऐसी आला फोटो बनेगी आपकी कि मजा आएगा सर जी। बस रेडी कर देना। मैं रेडी कहता हूँ सर जी। सांसें रोके अपनी अपनी। हाँ सर जी, एक दूसरे की नहीं, अपनी बंद करें, अपनी 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 बंद करें। सर जी सांस बिल्कुल रोक रखनी, हिलना नहीं है, ठीक है? हिलना बिल्कुल नहीं है। इधर उधर देखें जरा, इधर उधर। ए रेडी। अफसर मेरी तो सांस बंद हो रही है, कहीं इसकी क्लिक खराब तो नहीं हो गई? सर जी हिलना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हम तस्वीर में हिले हुए आएंगे। सर जी वो किधर है? कौन? वो मुजरम। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुए, जो मुजरम सर पर पांव रख कर भाग गए। सर जी आप गलत कह रहे हैं, वो सर पे पांव रख के नहीं भागा है, मैंने खुद देखा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर जी कुछ देर ड्यूटी कर लें। सर जी नहीं, नहीं सोना नहीं, तुम्हारी भाभी नाराज होगी, मैंने अपनी लड़की के लिए लड़का मुलाजा करना है। यही तो है पेंप्रन। आपके मियां साहब अभी तक नहीं आए हैं? वो तो जी अपनी शादी पर भी ना पहुंचते। शादी वाले दिन ना हमारे घर चोर घुस आया था, उसका पीछा करते करते हमारे घर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी।
नहीं पहचाना? खुशिया जी, खुशिया बीए बैचलर अगेन। वो मेरा मतलब है सास साहबा, मैं लड़का हूँ जी। तुम मुझे कैसे जानते? वो उस दिन मैं आया तो था, वो बीबी नुसरत और सुंबल के साथ, वो जो बुजुर्ग था वो मैं ही तो था। मेरा मतलब है जी, अब्बा जी आपकी बड़ी तारीफें कर रहे थे। अच्छा अच्छा। ये लड़का लाखों में एक नहीं बल्कि अरबों में एक हैगा। मेरा रंग ही ऐसा है जी, लोग वैसे मुझे यही कहते हैं कि मैं अरब हूँ। अरबों का लिबास बड़ा तोप लिबास है, वो अगर मैंने पहना हो ना तो मैं बिल्कुल अरब ही लगता हूँ जी। तुम अपनी तस्वीर लेके आए हैं? तस्वीरें खींचते तो मेरी अपनी खिंचाई हो चली थी जी। मेरे पास ये पोलोराइड कैमरा है, दूसरे मुल्कों में शादी की तस्वीरें इसके साथ खींचते हैं। दूसरे कैमरों की तस्वीरें जब तक धुल के आती है ना, तब तक तलाक हो चुकी होती है। आप जल्दी से अपनी तस्वीरें बना ले, लड़की के वाले साहब जो है गे, वो अभी आने वाले है गे। मैं अभी गया और अभी लेके आया। खुदा हाफिज़, बाय। अभी आता हैगा, ये आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, अभी ये आया के आया हैगा। फूलों के साथ तस्वीर बनानी चाहिए पर नहीं, फिर कहेंगे पहचाना ही नहीं, इनमें फूल कौन सा है। सर जी उधर देखें, मुजरम। फूलों के संग ने फैटम। मुझे इससे भी बड़ा भगाया, मेरी तो सांस उखड़ रही है। आजा, हर मैं तो छक गया हूँ यार, अभी नजर आ रहा था ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। सर जी मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, बिंदो उसे कहाँ है वो? सर जी स्यापा ही है भाई। वैसे एक बात है कि वो हो सकता है कि हमें कमेटी की फाइलों में मिले। हाँ जी सर जी, क्योंकि एक दफा का जिक्र है कि हमारे मोहल्ले की सड़क जो थी ना वो भी गायब हो गई थी, तो फिर जब ढूंढी ना तो कमेटी की फाइलों से मिली थी वो। हाँ जी, तो फिर उसी से पूछो कि कहाँ मिलेगा। अच्छा जी। भाई अफसर पूछ रहे कहाँ हो तुम? इधर हूँ सर जी। कहाँ? इधर जी। स्यापा ही है भाई। बीबी जी हैं क्या? ओह एक सेकंड, खुशिया तुम्हारी खुशदामन कह रही है कि तुम तस्वीर का कह के वहां गए ही नहीं। सास को खुशदामन क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ, असल में जो सास होती है ना वो सबकी खुशियां चुन चुन कर अपने दामन में डाल लेती है। बताओ ना, इंतजार कर रही हूँ मैं। क्या बताऊँ बीबी जी, अब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, आप इस मसले का कोई हल निकाले। मामा अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो जी मुझे बता देना। जरूर ना बोलो जी। नहीं मैं आपसे नहीं कह रही जी। नहीं नहीं फिर ऐसा है कि बस मैं लड़के को लेकर के आती हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिए कि सब घर वाले वहाँ आ जाए, तो रस्म जो है वो आज ही अदा हो जानी चाहिए जी। वो लड़के वाले भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। लड़के के वालिद साथ नहीं आए, उन्हें फौत हुए तो 10 बरस हो गए। ये तो कह रही थी कि पिछली बार वो आपके साथ आए थे। सुंबल, वो जो खुशिया वालिद बना हुआ था वो? अच्छा वो वाले मैं दरअसल भूल गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर जी? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि निजी महफिलों में सरकारी गुफ्तगू ना किया करो। वो जी बुजुर्ग साथ आते तो उन्हीं की वजह से बरकत पड़ती है। हाँ हाँ, तो वो नुसरत है ना साहब? क्या? मैं तो लड़के की छोटी बहन हूँ। तो लड़के की उम्र कितनी होगी? लड़का कहाँ है भाई? लड़का वो आ रहा है बस, ब्यूटी पार्लर गया है ना। मैं वाकई इतना खूबसूरत हूँ या ये आईना खराब है? देखा मेकअप के बाद? मैं तो माइंड मेकअप करने भी पार्लर जाता हूँ। और देखो वहां तुमने शर्माना है। क्यों भाई? फिल्मों में होता है ना, वरना वो समझेंगे कि तुम पहले भी दूल्हा रह चुके हो। आंखें नीची रखनी है। क्यों दूल्हा हो ना दूल्हा।
नहीं पिछाना ना नहीं। पागल, मैं तो इस तरह के काम एक मिनट के नोटिस पे करता हूँ, मुझसे करवा रहे हो? ईमानदार वाली बात है, दूल्हे का सीन तो मैं बगैर नोटिस के और बगैर रिहर्सल के एक सेकंड में ओके करवा सकता हूँ। जी इतनी देर हो गई है, इतनी देर में तो मैं कई मुजरम पकड़ लेता हूँ। हाँ जी सर जी बहुत एफिशिएंट है, इन्होंने ना अभी कल ही एक मुजरम पकड़ा है। ये देखें। तुम जहां भी जाते हो अपना थाना खोल लेते हो। लो जी लड़का आ गया। आ गया। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, वो पीछे आ रहा है। लड़के के वालिद साहब भी आ जाते तो। अम्मा जी नहीं पहचाना ना, वो कैसे आ सकते हैं, मैं जाऊंगा तो वो आएंगे ना। बोलते नहीं बोलते हैं। अच्छा बरखुदार काम क्या करते? शर्मा रहा है। सर जी ये ऐसा कौन सा काम करता है जो बताते हुए इसे इतनी शर्म आ रही है, कहीं ये अपने महकमे का तो नहीं है? इतना नेक लड़का तो मैंने पहली दफा देखा है। पहली दफा देखा है? सर जी मैंने तो पहली दफा से पहले भी देखा है। ये आप भी देख ले जरा। हमें इसी की तलाश थी है? मतलब के हमें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। हम बच्चे से तन्हाई में कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जी इसकी बात करना चाहते हैं। कुछ रखे। जरूर जरूर आप ही का बेटा है। चलो उठो। आओ बरखुदा। आओ एक मिनट में हम आए। ये बाहर कैसी बातें हो रही हैं? ऐसी तो मेरे स्कूल टीचर मुझसे किया करते थे जब मैं फेल होता था। अब तो थाना ही खुशी का ससुराल है। पहले ही तो यही था। नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे पहचान लिया बीबी जी। मामा आप इतने परेशान क्यों हैं? इसलिए कि आजम तुम्हारा रिजल्ट पता करने गए हैं और तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। मामा जब आप पास होती थी तो आपके पापा आपको क्या इनाम देते थे? याद नहीं मुझे दरअसल। इनाम याद नहीं या पास होना याद नहीं? अभी आजम आएंगे और आकर कहेंगे सुंबल तुम्हारे बच्चे तुम पे गए। इस दफा ये नहीं कहेंगे, इस दफा मैं पास हो जाऊंगा। नुसरत नुसरत मेरे बच्चे का सदमे से दिमाग चल गया है। लो सुंबल कैसी बातें कर रही हो, इसका तो कभी इम्तिहान में दिमाग नहीं चला तो अब कैसे चलेगा। इससे पूछो कि तुम कौन सी क्लास में हो तो पता क्या कहता था, थर्ड ईयर यूं बताता था कि सबको पता चल जाए कि 3 साल से थर्ड ईयर में है। मां मैं सोच रहा हूं कि मुझे पापा कौन सी कार इनाम में लेके देंगे, उन्होंने मुझे कहा था कि बॉबी अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें कार लेके दूंगा। और बॉबी बेटा अगर फेल हो गए तो रिक्शा लेकर दूंगा। वैसे आजम भाई को यकीन है कि बॉबी पास नहीं होगा वरना वो कभी कार का वादा ना करते। वैसे बॉबी खुदा ना खास्ता तुम्हें पास होने का कोई खदशा तो नहीं है? मामा गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि हॉर्न देके पास करें, तो मैं भी हॉर्न देके पास हो गया हूं। क्या तुमने ड्राइविंग टेस्ट पास करना था? नहीं, नहीं नहीं मामा, मैंने पापा को अपने दोस्त का रोल नंबर अपना बताकर दे दिया है और अपना रोल नंबर अपने दोस्त का, तो मेरा दोस्त बड़ा सही ना वो पास हो जाएगा और इस तरह मैं भी पास हो जाऊंगा। तुमने देखा मेरा बेटा कितना ज़हीन है, बिल्कुल मुझ पे गया। मामा वो तो है। आजम आ गए। आजम आप आ गए जी, अगर आप मान लें तो। नहीं नहीं मैंने मान लिया। मुबारक हो है ना आजम, हमारा बेटा पास हो गया ना। किस डिवीजन में भाई साहब? जिस डिवीजन का इम्तिहान दिया उसी डिवीजन में पास होगा ना। पापा आपका दिल कौन सी गाड़ी लेके देने को चाह रहा है? फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जूता उतार लूं और। आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं? हाँ हाँ जरूर आप उतार देना जूता, क्यों पहना हुआ है उतारे।
तुमने अपना रोल नंबर मुझे 3242 बताया था ना जी। मुबारक हो बेटा, आप फेल हो गए। वो तो बड़ा ज़हीन लड़का था। मेरा मतलब मैं तो बड़ा ज़हीन। मैंने इतनी मेहनत करवाई थी इसे। जी जाहिर है, इतनी मेहनत के बगैर तो इस तरह मुसलसल फेल होना नामुमकिन है ना। पापा दरअसल देखो, मैं तुमसे तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा दोस्त है जिसका रोल नंबर तुमने मुझे दिया था, वो पास हो गया है। मैं पास हो गया हूँ। बॉबी, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने दोस्त का रोल नंबर दे देने की? भाई तुम कोई काम अकल से नहीं करते हो। हर किस तुम मुझ पे नहीं गए, मैं तो तंग। घर के कामों में अकल खर्च हो जाती है, मैं क्या क्या करूं? अरे तुम वहां घर के काम जैसे कि पहाड़ तोड़े होते हो ना हर वक्त। बॉबी बेटा, आपको ऐसी हरकत करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ना, रोल नंबर के साथ नाम भी तो होता है। पापा, आपको पता चल गया कि मैं पास हो गया हूं? जी। देखा आजम, देखा तुमने, मेरे बच्चे बिल्कुल मुझ पे गए हैं। जी, हरकतों से ही जाहिर है। पापा, अब तो मुझे कार मिलेगी ना? हाँ भाई, कार तो अब लेके ही देना पड़ेगी। यस। मामा, नई गाड़ी के लिए कैसेट नहीं मिल रही? यही है जो तुम्हारे हाथ में है। ये तो अताउल्ला इस्सा खेलवी की है, ये लगाऊंगा तो कार भी ट्रक लगेगी। नई गाड़ी है, प्लीज जरा एहतियात से चलाना है। मामा, मैं तो एहतियात करने में भी बड़ा मोहतात हूँ। वैसे बाहर के मुल्कों में अगर ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी ना करो तो फिर हादसे होते हैं, और हमारे यहाँ अगर ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करो तो फिर हादसों का डर रहता है। जैसे बॉबी जैसे गाड़ी चलाता है ना, इसको गाड़ी के साथ साथ चलाने के लिए एक सड़क भी दे देनी चाहिए। हेलो हेलो चाचू, आपकी शक्ल देख के लगता है कि चाची अपनी अम्मा के पास गई हुई है। खैर, इतना भी खुश नजर नहीं आ रहा। सलमा के बगैर तो मैं यूं लगता हूँ जैसे टाई के बगैर ही आ गया हूँ। वैसे फोन पर सलमा से यहाँ आने की इजाजत ले रहे थे। यहाँ तो फोन पर भी एक्सटेंशन लगी हुई है। वो टाइटैनिक के डायरेक्टर का फोन आया था, वो कह रहा है कि इस मरतबा जहाज डूबने पर फिल्म नहीं बनानी बल्कि फिल्म डूबने पर फिल्म बनानी है। मैंने कहा मुझसे अच्छा मशवरा कौन दे सकता है। भाभी, आपको बॉबी के पास होने की मुबारक हो, आप पर गया है। ये तो है, हर इम्तिहान में सुंबल पर जाता है और इस दफा पास हुआ है। बॉबी, मैं तुम्हारी नई कार के लिए कीरिंग लाया हूँ। ये लो भाई, कीरिंग कहाँ चली गई? ये लो कीरिंग। हमारे ससुराल वालों ने तो शादी पर हमें कीरिंग ही दी थी, कह रहे थे इसमें कार की चाबी डलवा लेना। हेलो पापा, आ गए। आजम, आप आ गए। वो बॉबी को नई कार मिलने की खुशी में ना, मैं सबको आइसक्रीम खिला रहा था। आपकी खुशी से पता चल रहा है कि सलमा यहाँ नहीं है, मायके गई हुई है। बॉबी, गाड़ी की चाबी, गाड़ी बाहर खड़ी। पापा, आप भी चले ना। नहीं बेटा, आप जाओ, और गाड़ी जरा एहतियात से चलाना प्लीज। अब और क्या, नई गाड़ी है, खाम खाम में कहीं लग लगा जाए। हाँ। चले 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 चले। यकीनन पापा मेरी पसंद की गाड़ी लाए। वाकई भाई आजम बॉबी की पसंद की गाड़ी लाए। ये गाड़ी तो तीन बंदों की है। क्या मतलब? एक अंदर बैठेगा दो धक्का लगाने के लिए। गाड़ी देख के पता चलता है कि बॉबी ने कितनी अटेम्प्ट्स में इम्तिहान पास किया है। शायद चलती हो। आओ आज देखते। भाभी आए ना आप। बैठे। और तुम? कोई धक्का लगाने के लिए भी रहना चाहिए। मैं हेलमेट ले आऊं? चुप करके बैठो। हाँ, ज्यादा जोर से बोलने से कोई पुर्जा ना गिर जाए ना। मामा, पुराने जमाने में गाड़ियां स्टीम इंजन से चलती थी ना, ये स्मोक इंजन से चलती होगी। नहीं बेटा, ये दुआओं से चलती है। स्टार्ट हो गई है। मुबारक हो, मुबारक। Hey.
अभी ने नई गाड़ी के ऑनर में डिनर का वादा किया था, लेकिन लगता है गाड़ी मिलते ही बदल गया है, वरना इतना लेट क्यों हो जाता? भाई आ ही रहा होगा, अब ऐसा तो नहीं कि वो ना आए। माल रोड पे ट्रैफिक भी कितना है, फंस गया होगा कहीं सिग्नल में, समझ नहीं आ रही कहाँ रह गया। आ ही रहा होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी। और क्या मालूम उसने गाड़ी कहीं ठोक दी हो। अल्लाह ना करे, अच्छी अच्छी बातें करो, क्यों कर रहे हो तुम? वैसे भी नई गाड़ी है कहीं। तुम्हारे पापा ने ये लेकर दी है, लगता है वो समझे हैं कि तुम फेल हो गए हो। बॉबी, जहाँ खंबा ना हो वहाँ इसे रोकते कैसे? जवाब, वैसे इसके पापा ने गाड़ी बहुत अच्छी लेके दी है, ये ना भी बताए ना कि ये गाड़ी इसकी है, तब भी सब समझ जाएंगे कि गाड़ी इसकी। लगता है किसी दौर में इसका रंग पीला होता होगा। इसका नहीं, इसमें बैठने वालों का रंग पीला होता है। चलें। ये चलती भी है? इसका तो स्पीडोमीटर ही नहीं है, स्पीड का कैसे पता चलता है? बहुत आसान है, जब बोनट खड़कने लगे तो 20 मील फी घंटा, और जब दरवाजे खड़कने लगे तो 30 मील फी घंटा, और जब बैठने वाला खड़कने लगे तो 40 मील फी घंटा। और अगर ये पता करना हो कि रफ्तार 50 मील से ज्यादा है तो? अगर गाड़ी चलते चलते यकदम रुक जाए तो? बॉबी, गाड़ी की डिग्गी में एक साइकिल जरूर रखा करो, भाई कहीं जल्दी भी जाना होता है। एक्सक्यूज मी, गाड़ी को धक्का लगाना होगा। आप प्लीज जोर से धक्का लगाएं, ये दूसरे धक्के पे चलती है। कह सकते हैं कि बॉबी बेकार नहीं, बाकार हो गया है। मामा, ये गाड़ी सफर के लिए नहीं, वर्जिश के लिए बनाई गई है। इतना मैं नहीं इसे चलाता जितनी ये मुझे चलाती है। खुद ही कहा था कि पास होने पर गाड़ी लूंगा। ये तो बॉबी की किस्मत है कि हर दफा पास नहीं होता, वरना इतनी सारी गाड़ियां होती हैं इसी तरह की। इससे तो अच्छी मेरी मोटरसाइकिल है। ये भी मोटरसाइकिल ही है, देखने में मोटर, चलाने में साइकिल। मामा, मैं इस गाड़ी पे अब बाहर नहीं जाऊंगा। मैं बाहर जाता हूँ तो सारी गली के कुत्ते मेरे पीछे लग जाते हैं। नहीं नहीं भाई, झूठ बोल रहा है, कुत्ते पीछे नहीं, आगे लगते। ये हॉर्स पावर नहीं है, ये सारस पावर है। और मामा देखे, ये अजीब गाड़ी है कि कॉलेज जाते हुए खराब नहीं होती है, आते हुए खराब होती है। अच्छा, चलती तो है ना, चलती का नाम गाड़ी होता है। मामा, पापा से कहीं इसे बेच दें। ओहो, इसे कौन खरीदेगा? हो सकता है किसी और का लड़का भी इतनी सप्लीमेंट्रीज के बाद पास हुआ हो। मामा, पापा आ रहे हैं, आप इनसे कहें ना। हाँ बॉबी, गाड़ी चल रही है? जी पापा। देखो बॉबी, शुरू शुरू में ना नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, खामखा इधर उधर लगती रहती है। तो मैं पास कर लो, फिर तुम्हें नई गाड़ी ले दूंगा। 10 साल बाद? 10 साल? इसको एमए करने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। खैर, एमए तक तो यही गाड़ी काम चला देगी। बॉबी, तुम खुश होना, तुम्हें गाड़ी ले दी बेटा। जिस तरह के तुमने नंबर लिए हैं ना, तुम्हें वैगन लेके देना चाहिए थी। मां, इस कार से मैं कैसे जान छुड़ाऊं? मैं कल अपने दोस्त के घर गया था इस कार में, उसके मोहल्ले के बच्चे मुझसे ऑटोग्राफ मांगना शुरू हो गए। वो समझ रहे थे कि मैं सर्कस में काम करता हूँ। तो आजकल आप कार नामे कर रहे हैं? उस अखबार में होता है कि इतनी कारें चोरी हो गई, हमारी कार? यस, आइडिया। तुमने
अच्छी तरह पता कर लिया था ना यहाँ पे चोरियाँ होती भी हैं या नहीं। गाड़ी की तरफ चोर को अट्रैक्ट करने के लिए क्यों ना गाड़ी पे लिख के लगा देंगे चोर मुतवज्जा। गाड़ी की सीट पे 100 रुपए का नोट रख दो, चोर नोट देख के आएगा गाड़ी ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। गाड़ी से कीमती चीज गाड़ी में नहीं रखनी है, नहीं तो वो गाड़ी नहीं चुराएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि गाड़ी में चाबी लगा देता हूँ। हाँ ठीक है चलो। ऐसा ना मैं करूं कि यहीं पर छुप के खड़ा हो जाऊं, कहीं उसको उससे गाड़ी ना स्टार्ट हो और उसको धक्का लगाने के लिए कोई बंदा चाहिए हो तो। नहीं, चोर धक्का चाट गाड़ी नहीं चुराते हैं। तो फिर उसको स्टार्ट छोड़ देते हैं। हाँ घंटे बाद आके देखेंगे चलो। गाड़ी चोरी हो गई। चलो चलो। गाड़ी चोरी होने के बाद बंदा कितना हल्का फुल्का महसूस करता है। मामा को क्या बताना है? मामा को तुम्हारी शक्ल देखते ही पता चल जाएगा, कोई अच्छी ही खबर है। क्यों भाई, ये स्टार्ट गाड़ी छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए थे? वो मामा, हमने चोर के लिए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं छोड़ी थी। और अगर हम लोग वहाँ से ना गुजरते तो इतनी महंगी कार तो चोरी हो गई थी। और क्या, इतनी हमारी किस्मत कहाँ। वो मेरा मतलब है कि हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। चलो कोई चीज तुम लोग ध्यान से नहीं रखते, चलो। नहीं नुसरत, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसके बाल उसके अपने रंग के नहीं है, उसे डाई किए हुए हैं। हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता नुसरत, तुम क्या कह रही हो। तुम लोग सुबह से किधर गायब हो, अब इस वक्त आ रहे हो? वो मामा, ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ से आसानी से गाड़ी चोरी हो सके। ये कह रहा है कि आजकल गाड़ियाँ बहुत चोरी हो रही हैं। बॉबी तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं पुप्पो, हम गाड़ी तो नहीं चुरवा के आ रहे हैं। क्या गाड़ी चोरी हो गई है? अब तक तो हो चुकी होगी इंशाल्लाह। मेरा मतलब है कि चोरी हो गई। क्या गाड़ी चोरी हो गई, कहाँ से? बहुत दूर जाना पड़ा था। मेरा मतलब वो मुल्तान रोड से। ये वो सड़क है जो मुल्तान जाती है? नहीं कहीं नहीं जाती, वहीं पे रहती है। तुम लोग वहाँ क्या करने के लिए गए थे? चोर की तलाश में। नहीं नहीं, हम चोर के पीछे गए थे ना रिक्शे में, तो कार लेके भाग गया। नुसरत तुम आजम को बताओ, उन्हें बताओ कि मेरा बेटा कितना परेशान है। परेशान तो चोर होगा। मेरा मतलब है कि हम उसको पकड़कर ऐसी सजा देंगे कि वो परेशान हो जाएगा। गाड़ियां तो चोरी के बाद मिलती भी नहीं है। हैं? शुक्र है। मेरा मतलब है कि आप सब परेशान खड़े, कोई कॉमेडी सीरियल देख ली? शौकत, बॉबी की नई कार चोरी हो गई है। मुबारक हो। उसकी नई गाड़ी चोरी हुई है, तुम मुबारकबाद दे रहे हो? हाँ भाभी, चोरी हो गई होती वो तो शुक्र है, मैं स्टूडियो से निकल रहा था, सड़क के किनारे पे मुझे बॉबी की गाड़ी नजर आ गई, फिल्मी फाइटरों से धक्का लगवा के यहाँ तक लाया हूँ। ये लो बेटा, जिस चीज से वो नहीं चलती वो चीजें क्यों पास रखते हो? कैसा जमाना आ गया, एक कार नहीं चोरी हो सकती। कोई बाहर का मुल्क होता ना तो कब का ये काम हो चुका होता। हमारे चोर भी काम चोर है। ऐसा करते हैं, किसी को पैसे दे के कार चोरी करवा लेते हैं। तो और क्या, ऐसी कार कोई मुफ्त में चुराएगा? यही तो है फैमिली प्लान।
भाई बड़ा ही हौसला है चोरों का। यानी बॉबी की कार वो बॉबी के कॉलेज से चुरा कर ले गए। वाकई इस तरह की कार चोरी करने के लिए तो बहुत हौसला चाहिए। बॉबी तुमने कार में कोई कीमती चीज तो नहीं रखी थी? कैसेट टेप? किसी ने इसीलिए कार चुरा ली हो? मेरा ख्याल है पुलिस को फोन करना चाहिए। वो पापा पुलिस की क्या जरूरत है? बेटा शायद कुछ मदद कर सकें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, पुलिस स्टेशन। देखिए मुझे कार के बारे में। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कमाल है, लोग खामखा इल्जाम लगाते हैं कि हमारे मुल्क की पुलिस एफिशिएंट नहीं है। सर जी से एफिशिएंट कोई अफसर है ही नहीं जनाब। दूजे अफसर सुबह 8 बजे सो के उठते हैं ना, तो 9 बजे कहीं जाके इस काबल होते हैं जिसमें रेड कर सके। हमारे सर जी सुबह 8 बजे सो के उठते हैं तो 7:30 बजे इस कंडीशन में होते हैं जिसमें रेड कर सके। अल्लाह की मेहरबानी से। वैसे एक बात है, बाहर के मुमालिक की पुलिस मुजरम को जुर्म करने के 1 घंटे बाद शनाख्त करती है, और हमारी एफिशिएंसी देखिए कि हमने मुजरम को जुर्म करने के 1 घंटा पहले शनाख्त कर लिया है। आप ही को याद कर रहे थे जी। सर जी को ये पता है कि आप इनको क्यों याद कर रहे थे? वो आपकी कार है ना जो आपने अपने लड़के को लेके दी है, वो चोरी हुई है। आपको कैसे पता चला? लो भाई हम पुलिस वाले हैं, हमें पता नहीं होगा तो किसको बताओ। मिठाई मंगाए जी कार की। आप कमाल कर रहे हैं, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, आप कह रहे हैं मिठाई मंगवाए। लो स्यापा ही है भाई, आपने सर जी को पहचाना ही नहीं है। इनकी 1 साल में जितनी बरामदगी होती है ना, इतनी बड़े से बड़े मुल्क की भी बरामदगी नहीं होती है। आपकी चोरी शुदा कार भी इन्होंने बरामद कर ली। दरअसल हमने पहले ही आ जाना था, वो दरअसल गाड़ी के आगे घोड़ा जोड़ने के लिए नहीं मिल रहा था। जी भाई जी, ये आप गाड़ी के आगे क्या जोड़ते हैं? जी ये गाड़ी डीजल या पेट्रोल से नहीं चलती, उम्मीद से चलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी, तुम्हें मुबारक हो भाई, तुम्हारी चोरी हुई कार मिल गई। भाई हमारी तरफ से भी मुबारक हो जी। तो हम फिर जाएं जी? हाँ यही कार ले जी। जी कुछ नहीं, उनका मतलब है चलते बनो। अच्छा जी आ जाओ फिर अफसर। अच्छा जी खुदा शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बॉबी तुम पार्टी पे ये कपड़े पहन के जा रहे हो? मैंने अपनी गाड़ी पर जाना है ना, जितने भी अच्छे कपड़े पहन के चला जाऊं वहां पहुंचते पहुंचते इन जैसे ही हो जाना है। तुमने तो कहा था कि पार्टी 5 बजे, तो 3 बजे क्यों जा रहे हो? मैंने अपनी गाड़ी पर जाना है ना, अभी चलूंगा तो पहुंचूंगा ना वक्त पे। अस्सलामुअलैकुम। पहचाना? नहीं पहचाना, मौला का लाख लाख शुक्र है, मुझे कोई भी नहीं पहचानता। अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी है मुझे। आप कैसे आए? इनकी कार पर, इनके पास नई कार है। हाँ जी, मैंने सोचा कि जब भी लूंगा नई कार ही लूंगा। देखे जी पुरानी कार जो होती है ना, मुझ जैसा गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बॉबी तुम्हें मुबारक हो भाई। इसमें मुबारक की क्या बात है? वो पागल क्या हो गया तू, तुम्हारे पास इस तरह की गाड़ी है, तुम इस चीज की मुबारक हो। हाँ जी, जब कोई मेरी गाड़ी की तारीफ कर रहा होता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। बैठे 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 मैं बताता हूँ। थैंक यू। पाशा साहब आप बताएं ना कि आप बोले ना, आप जरा बताएं इनको। मैं बताता हूँ, हम जो आपके खादम बैठे हुए हैं, असल में पाशा साहब आप ही की तलाश कर रहे थे, वो बॉबी की गाड़ी की खरीदने के लिए ना। असल में इस मॉडल की गाड़ियां दुनिया में बहुत कम रह गई हैं, कंपनी ऐसी गाड़ियां अपने पास महफूज करना चाहती है। हाँ जी, तो पाशा साहब जो है ना वो इस कंपनी के डीलर है पाकिस्तान में। हाँ जी पाशा साहब आप बताएं ना। बात दरअसल ये है जनाब, असल में पाशा साहब आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पाशा साहब आप बताएं ना। बात दरअसल ये है जनाब, मैं बताता हूँ, असल में कंपनी जो है ना वो 98 मॉडल की गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, इस पुरानी गाड़ी के मतलब में। पापा ये मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा बेटा बड़ा खुशकिस्मत है। आप वाकई संजीदा हैं? पाशा साहब बताएं ना।
बात दरअसल ये है जनाब, मैं बताता हूँ आपको, असल मेरे पाशा साहब है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए हैं नई गाड़ी के। आप यहाँ साइन कर दें, अगर आपको पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी कबूल है तो। पापा चार पांच साइन कर दो। पहले चार पांच साइन, ये कोई निकाह नामा तो नहीं है जिस पर बंदा आंखें बंद करके साइन ही करता जाए। मुबारक हो। थैंक यू। गाड़ी ले आओ, मैं अभी लेके आया। जल्दी जाओ, शाबाश शाबाश। पता है क्या खुशिया, मेरा बेटा बड़ा ही खुशकिस्मत है, जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, हमारी पाकिस्तानी टीम हारने से बच गई थी। मौला खुश रखे। वो कैसे? ऐसे एक जब ये पैदा हुआ ना, जिस दिन, उस दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, तो बारिश की वजह से पाकिस्तानी टीम जो कि क्रिकेट का मैच हार रही थी, हारने से बच गई क्योंकि मैच ही नहीं हुआ। आप ऐसा करें, हमारे शोरूम आकर गाड़ी का कलर पसंद कर लें। जी नहीं, वो बॉबी खुद पसंद कर लेगा। हाँ जी, बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। पापा, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। F32 to 42 पार्क कीजिए। पता लग गए सारे रेट्स। हाय नुसरत, ये खबर तुमने पढ़ी है? उफ, कितने दुख की बात है। सुंबल, इसमें दुख की कौन सी बात है, ये तो तुम्हारी दो सहेलियां मिसेज कामरान और मिसेज कमाल किसी बिजनेस वुमन वफ्त के साथ बाहर जा रही हैं। वो यही तो दुख की बात है कि ये दोनों खवातीन जा रही हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? कम से कम इन दोनों को तो हरगिज नहीं जाना चाहिए था। क्यों, उन्हें क्यों नहीं जाना चाहिए था? ये हमारी जानने वालियां हैं इसलिए। मामा, मैंने दो खवातीन कैसे कह सकते हैं, अगर तीन होंगी तो खवातीन होंगी ना। वैसे सुंबल, बाहर जाने में बड़ा मजा आता है, वहां बड़ी इज्जत होती है, कोई जानता जो नहीं है। मामा, ये बाहर जाने के लिए क्या खसूसियत होनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये कि आपकी शक्ल पासपोर्ट पे लगी हुई तस्वीर से मिलती जुलती हो। नहीं, बिजनेस वुमेन के वफ्त में अगर आप हो तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। वैसे सुंबल, हम बिजनेस वुमेन क्यों नहीं बन सकते? हाँ, उसके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यही है कि खावंत जो है वो कम अज कम लखपति तो हो। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, किसी करोड़पति से शादी कर लो, खुद ही वो लखपति बन जाएगा। आइडिया सुंबल, क्यों ना हम भी कोई बिजनेस शुरू कर दें। हाँ, हमें तो सिर्फ शुरू करना पड़ेगा, खत्म तो खुद ही हो जाएगा। मामा, हम जाली डिग्रियां बेचते हैं, इससे मुनाफा भी होगा और तालीम को फरोग भी हासिल होगा, और मैं भी पास हो जाया करूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बॉबी, प्लीज कुछ और सोचो, सर अपना दिमाग चलाओ। चलो दिमाग चलाने को काहे, टांगे चलाने को नहीं। मैं चलूंगा तो दिमाग चलेगा ना। मामा, खुशियां से मशवरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी तरक्की करता है। हाँ जी, जो मैं मशवरा देता हूँ लोग उसके उलट करते हैं, तरक्की कर जाते हैं। अच्छा देखो खुशिया, मैं ना बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। बीबी जी, ये तो कोई ब्यूटी पार्लर वालों का काम है। नहीं खुशिया, सुंबल एक ऐसा बिजनेस करना चाहती है जिसमें शाम तक नोट डबल हो जाए। हाँ। मौला खुश रखे, ये कौन सा मुश्किल काम है, आप नोट को दोहरा करें डबल हो जाएगा। खुशिया, हमें ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें बैजा बैजा हो जाए। तो कोई भी काम खड़ा होकर शुरू कर दे, बैजा बैजा होने लगेगी। खुशिया तुम समझ नहीं रहे, देखो तुम हमें ना लाहौर के लिए कोई काम बताओ। बीबी जी, फिर ऐसा करें, आप छोटे सिरी पाए की दुकान की ब्रांच खोल लें। बड़ा काम बताओ प्लीज। तो फिर ऐसा करते हैं, मौला खुश रखे, आप बड़े सिरी पाए की कर लें। खुशिया तुम हमें दुकानदार बनाना चाह रहे हो? दुकानदार तो वो होता है जिसके दो कान होते हैं, तुम तो पहले से ही दुकानदार हैं। आए हाय बीबी जी, क्या आईडिया आया दिमाग में। अच्छा आए हाय बीबी जी। हाँ। मुल्क में चल रही है जमहूरियत। हाँ। जूतों का कारोबार बड़ा चलेगा, एक जूता एक क्लास का 300 रुपए में घर में पड़ता है। मुझे तो वैसे मुफ्त में ही पड़ता है। आप ऐसा करें, उन जूतों की लगाएं सेल, ठीक है जी, 300 का जूता 1000 रुपए के बजाय 800 का बेचें। ये क्या काम है? फिर ऐसा करें आप बीबी जी, मोटरवे पर पंचरों की दुकान डाल लें। आप बुरा मना रही। फिर ऐसा करें, पोल्ट्री फार्म खोल लें। पोल्ट्री फार्म? हाँ। वहां शायर पाले जाएंगे।
मुझे तो शेर याद नहीं रहते। जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। पोल्ट्री फार्म मुर्गी खाना, हाय बीबी जी, मुर्गी भी क्या परिंदा है जिसे आप पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं। मेरा मतलब है अंडे। अंडों का जिक्र ना करो, मुझे स्कूल याद आ जाता है। हाय 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 बीबी जी, क्या तेज रफ्तार आइडिया जहन में आया। ईमान से मैं अपने दिमाग की तारीफ ही नहीं कर सकता। आप ऐसा करें, रूट पर वैगनें चलाएं और उसी रूट पर आप एक अस्पताल खोले हड्डियां जोड़ने वाला। हैं जी, वही हड्डियां टूटेगी, वही अस्पताल होगा। देखे दोहरा काम दोहरा फायदा। कोई बाइज्जत काम बताओ। फिर ऐसा करें, आप मेरे वाला काम शुरू कर दें। मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहती हूँ। कौन सा मेंटल स्टोर खोलना चाहती हैं? ओहो खुशिया, कोई ये जैसे ये बड़े बड़े स्टोर नहीं होते हैं वो। हाँ। कोई ऐसा काम हो जो सुंबल के शायाने शांत हो। हाय हाय बीबी जी, खाली जेब तो फिर बंदा ऐसे ही काम सोच सकता है सॉरी के साथ। अच्छा पापा, लालची बहुत हो तो ये लो। नहीं नहीं खुशिया, अच्छा काम ना बताया ना तो फिर देखता। मेहरबानी, मौला खुश रखे। बीबी जी, एक काम ऐसा है कि एक कंपनी दूसरे शहरों के बाद अब लाहौर में भी अपनी ब्यूटी चेन खोल रही है। उनके मालिक ने ये कहा है कि वो खुद आकर यहाँ तसल्ली करेगा। उन्हें एक साउंड पार्टी चाहिए। साउंड पार्टी, आवाज वाली पार्टी, यानी कव्वाल पार्टी। मैं, मुझे भी गुलुकारी का मौका मिलेगा। लोगों ने मेरी आवाज ना सुनी होती ना तो मैंने भी बड़ा गुलुकार बनना था। कुछ रखे, साउंड पार्टी का मतलब है साउंड पार्टी का मालिक खुद आकर तसल्ली करेगा। उन्हें एक मालदार असामी चाहिए। असामी? लेकिन हम में से तो कोई असाम का नहीं है। जी पैसा सारा वो खुद लगाएंगे बीबी जी। उन्हें चाहिए कि खानदानी बेगम हो जो उनके पार्लर चलाती रहे। चलाती रहे, मूविंग पार्लर्स। मौला खुश रखे, छोटी सी जगह में बेयक वक्त इतने दानश्वर इकट्ठे होंगे तो ऐसी बातें होंगी। आप गए तो मैं कंपनी के मालिक से बात करूं, वो खुद आकर तसल्ली करेगा। ये अच्छा काम है, और इससे ये होगा कि सलमा भी हमारे पार्लर पर ही अपने बाल डाई करवाने आएगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और इस तरह से मुझे भी पता चल जाएगा कि टीनेजर्स की कौन से फैशन ट्रेंड जा रहे हैं। अब मैं जाकर उन्हें भेजता हूँ, ठीक है? हाँ। खुदा हाफिज़। बाय बाय, जल्दी आना। हाँ हाँ जी जी जी, मिसेस कुरैशी, आपको तो पता ही है ना कि बिजनेस वीमेन के वफद ने रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके साथ बाहर जाऊं। हैं? नहीं, आप मेरे घर वालों को तो जानती ही हैं। वो तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो तो यही समझते हैं कि मैं घर से बाहर गई हूँ। हाँ नहीं नहीं, आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ, ब्यूटी पार्लर्स की चेन खोल रही हूँ ना मैं। नहीं नहीं, मैंने लाहौर को तो खूबसूरत बनाने का अज़्म किया है। अज़मुल हक नहीं, अज़्म किया है। इरादा। अच्छा मिसेस कुरैशी, फिर बात होगी, इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ। आपको तो पता है लोग अब हमसे पूछकर शादी की तारीख रखते हैं। हाँ दुल्हन हमने बनानी होती है ना, घर वालों ने थोड़ी। ओके ओके, खुदा हाफिज़। मैंने तो अपनी तमाम फ्रेंड्स को बता दिया है कि हम एक पैकेज डील करेंगे। जो एक दफा हमारे यहाँ दुल्हन बनेगी वो आइंदा जब कभी दुल्हन बनेगी हम उसको मुफ्त तैयार करेंगे। मामा, मैंने पैकेज डील सोची है। हमारे यहाँ से जो बीवी बाल कटवाएगी हम उसके खावंद की मुफ्त हजामत करेंगे। हाँ, हम रेट्स ही ऐसे रखेंगे कटिंग के कि खावंद का बिल अदा करते ही हजामत हो जाए। नहीं तो खावंदों की हजामत मुफ्त कर देंगे, वैसे भी खावंदों के सर पे बाल होते ही कम है। एक कोटेशन है, सारे बालों वाले कुवारे नहीं होते लेकिन सारे गंजे शादीशुदा होते हैं। अब तुम देखो नुसरत, अगर कोई पार्लर की चेन की मुबारकबाद देना तो मुबारकबाद ले लेना, और अगर कोई मुझसे बात करने को कहे तो कहना कि मैडम बिजी हैं, तुम मेरी पीए हो ना इसलिए। यस, ब्यूटी चेन्स प्लीज। मैं मैडम सुंबल की पीए बोल रही हूँ। सुंबल ने पीए कब से रख ली? देखिए मैं उनके शौहर बोल रहा हूँ जी। वाह भाई आजम। नहीं आजम भाई का फोन है तो मैं क्या करूँ? पकड़ो। हाँ बॉबी बात करो, बॉबी बात करो। हेलो
सलाम अलैकुम पापा। वालेकुम सलाम, ये क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा पापा, वो मामा पार्लर्स की चेन तो नहीं खोल रही। एक तो जब भी घर फोन करो लगता है मेंटल हॉस्पिटल फोन कर लिया है। मैंने तो 2-3 मरतबा मेंटल हॉस्पिटल घर समझ के फोन करता रहा। मामा कहाँ है? मामा पापा कह तो मैं नहीं। सुंबल तुम खुद बात कर लो ना, आजम भाई मान जाएंगे। मेरी मानते तो नहीं वैसे। आजम तुम फोन कर रहे हो? जी नहीं, वर्जिश कर रहा हूँ। ये किस चीज की चेन खोल रही हैं आप? चेन? अब नहीं, बॉबी की मोटरसाइकिल की चेन नहीं खुल रही थी ना, ये कह रहे थे हम लोग। अच्छा सुनो सुंबल, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आएंगे, उनके सामने प्लीज कोई फजूल बात मत कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं नुसरत से कह दूंगी कि वो चुप रहे। जी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उनके सामने कुछ ज्यादा शोएं मारनी शुरू ना कर दीजिएगा। अब कोई ऐसी बात ना करना कि हम अरबपति हैं। लेकिन आजम तुम अरब में रहे हो ना, तो फिर मैं इस हिसाब से तो तुम अरबपति हुए ना। ओ सुंबल। फोन बंद कर दिया। क्या कह रहे थे आजम भाई? वो कह रहे थे कि कोई इनकम टैक्स वाला आ रहा है तो उसके सामने हमें ना अपने आप को गरीब जाहिर करना है। तो इसमें कौन सा मसला है? हम तो वैसे भी जब तक किसी को ना बताएं उनको पता ही नहीं चलता कि हम अमीर हैं। मुझे तो सारे स्टूडेंट्स गरीब कहते हैं। गरीब नहीं, अजीबो गरीब कहते हैं। हमें उस बंदे के सामने खुद को इतना गरीब जाहिर करना है, इतना गरीब जाहिर करना है कि जो टैक्स हमें लगता है वो भी माफ हो जाए। हाँ, बल्कि ज़कात की ऑफर करके जाए वो। लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी से अपर क्लास की लगती हूँ। नुसरत तुम्हें बड़ा फायदा है वैसे। घर के मालकों से ज्यादा घर मालकों के बारे में बता देता है। फैमिली ठीक ही लगती है, अगर बेगम साहिबा दयानतदार हुई तो मैं उन्हें पार्लर खुलवा दूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स से पता चलेगा भाई। जो मुलक का दयानतदार नहीं वो मलक का कैसे हो सकता है? मेरा नाम मलक इकबाल है जी। अच्छा अच्छा, इकबाल साहब। हाँ जी, आपको तो मालूम ही होगा कि मैं आपके दौलत खाने पर क्यों हाजिर हुआ हूँ। दौलत खाना? बच्चे खाना ही कहे ना, आप जैसे रईस तो यहाँ पर ज़कात देने आते हैं। ज़कात? आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? जी नहीं, आप तो लगता है कि आपके बुजुर्ग राजा होंगे। राजा? इनको किसने बताया कि मेरे माँ बाप हजामते बनाते थे? आप कुछ कह रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आप महाराजों के खानदान से लगते हैं, ये मैं कह रही थी। हाँ जी, मेरे परदादे के आगे अकबर बादशाह भी सर झुकाता था। जाहिर सिर झुकाता था तो हजामत बनती थी ना। आप इनकम टैक्स देते हैं? टैक्स? जी बिल्कुल, हम टैक्स देते हैं जी, उधार मांग के। आप जरा पांव उधर कीजिएगा, मेरी चवन्नी गुम हो गई है। दरअसल इसका नया रुपया गुम हो गया है, वो चवन्नी जितना है इसलिए। नहीं, उसकी वैल्यू रह गई उतना ही होगा ना। हम तो जी बहुत गरीब है, आप बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे तो बताया गया था जी कि इस घर की मालकिन बड़ी अमीर कबीर औरत है जी। कबीर साहब तो दूसरे मोहल्ले में रहते। आप बैठे ना प्लीज। अच्छा जी, मेरा ख्याल है इसे सलमा की तरफ भेज देती हूँ, उसे तो पता नहीं है ये टैक्स वाला है, वो ज्यादा अमीर बताएगी अपने आप को और उसको टैक्स।
टैक्स पड़ जाएगा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी मैं आपसे ये कह रही थी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस घर की मालकिन वाकई बहुत अमीर है। सुपर क्या कह रही हूँ? उसका नाम सलमा है, वो यहाँ ऊपर रहती है। तो उसके गरीब रिश्तेदार हैं, घर का काम काज करते हैं। मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक है, इस घर की मालकिन को जरा जल्दी बुलाएं। मेरा कहना है कि सलमा को मैं बुलाती हूँ, उसको तो ये पता नहीं है कि ये टैक्स वाला है। वो अपने आप को अमीर जाहिर करेगी और वो फंस जाएगी और उसके बाद उसको टैक्स पड़ेगा, फिर गिरफ्तारी, फिर जेल, फिर तशद्दुद, फिर फांसी। मेरी चवन्नी। अच्छा तो आप इस घर की मालिकन हैं? जी। लगती भी हैं। जी वो नहीं, वो आप इनकम टैक्स का पूछेंगे? देखिए जी, जो बंदा मुल्क के साथ दयानतदार नहीं, वो मलक के साथ कैसे हो सकता है? जी 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 वो ये मेरे शौहर हैं। हाँ जी, बताना पड़ता है, वो जब हम दूर से आ रहे हो ना तो बंदा पहचान नहीं सकता कि शौहर कौन है। आपकी आमदनी कितनी है? वो जी अल्लाह का दिया सब कुछ है जी। हाँ? मेरा मतलब कि ससुराल का दिया सब कुछ है। हाँ जी। नहीं, नहीं, वो शौकत, शौकत, शौकत ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अच्छा, अच्छा, अपने आपको गरीब साहिब। अच्छा अच्छा, वो जी पहले मैं बहुत अमीर हुआ करता था, फिर मेरी शादी हो गई। एक्चुअली जी देखें, हम लोग तो किसी से हंसकर बात भी नहीं कर सकते। लोग समझते हैं हम उधार मांगने लगे हैं उसी वक्त। देखें जरा क्या सामान है। अच्छा, लेकिन मुझे पता चला है कि आप करोड़पति हैं। नहीं जी, मैं तो पति हूँ, वो भी इनका। अब मैं फिल्में बनाता हूँ, इतनी आमदनी होती क्योंकि मेरी फिल्में साफ सुथरी होती है। क्या मतलब? वो जी फिल्म का फीता साफ होता है ना, कोई फिल्म शूट हो तो वो फीता साफ ना रहे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो जिसने आपको यहाँ भेजा है ना जी हमारे पास, वो ही असल में करोड़पति है जी। हाँ जी, वो तो हजार हजार के नोटों के साथ पसीना साफ करते हैं। हाँ, हम तो सफेद पोश हैं, बल्कि तख्त पोश हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। चलो चलो। हाँ जी। मेरी चवन्नी गिरी थी यहाँ। मैं किन लोगों में फंस गया हूँ? ले लो पकड़ो अपने चवन्नी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं यहाँ आया। अरे इकबाल साहब, आपको पता है मेरे सर पे कितने बाल हैं? खबरदार जो मुझे इकबाल कहा तो, एक दूसरे से बढ़ के गरीब है यहाँ। कितने दुख की बात है। क्यों, इसमें दुख की क्या बात है? हमें तो टैक्स नहीं पड़ा ना। हाँ, तो सलमा को भी नहीं पड़ा। हर बार मेरा तजर्बा फेल हो जाता है। हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। पहचाना? नहीं पहचाना। खुशिया बात कर रहा हूँ। हाँ खुशिया, खुशिया भाई, वो ब्यूटी पार्लर की चेन का मालिक कब आ रहा है आखिर? जी अभी तक नहीं पहुंचे वो जी। मेरा तो वैसे तो वो बड़े पहुंचे हुए हैं बीबी जी। असल में आपके घर में आने के लिए वो काफी देर से रवाना हो चुके हैं। हाँ जी। और नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा बीबी जी। और बीबी जी, रास्ते में ट्रैफिक भी तो ऐसी है ना हमारे मुल्क में, क्या करे बंदा। लोग गाड़ियां यूं चलाते हैं जैसे सड़क उनकी अपनी है, गाड़ी नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि वो आ गए हैं खुशिया, क्योंकि बेल हुई है। आ गए? आप ऐसा करें, आप उन पर अपनी इमारत का खूब रोब डालें। हाँ जी, मैं बंद करता हूँ, खुदा हाफिज, बाय। बन गया काम इनका। यही तो है फैमिली फ्रंट। टैक्स यहां से हीरन भागती हुई है और उसे सांस भी नहीं चढ़ा। बॉबी,
तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए। ईद को तो अभी डेढ़ माह बाकी है ना चाचू, अब मुझे लोग अमीर कहेंगे ना। बेटा तुम्हें इसी सूरत में लोग अमीर कह सकते हैं अगर तुम्हारा नाम अमीर रख दिया जाए। बॉबी बड़ी तैयारी है, नीचे कौन आया? वो ब्यूटी पार्लर चेन्स का मालिक तो नहीं आ रहा? मैं चलता हूं। कौन आया नीचे? पता नहीं, सुंदर का कोई मेहमान है। नुसरत कितनी अच्छी लग रही हैं आप। हैं? उफ, कितना प्यारा कलर पहना हुआ आपने, ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक्चुअली आपकी सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है? आप कभी भी इधर की बात उधर नहीं करती। हाँ और क्या, वरना मैं तो तुम्हें ये बता देती कि नीचे सुंबल के पास एक ब्यूटी पार्लर्स का मालिक आया हुआ है और वो एक मालदार खातून की तलाश में, जिसके साथ मिलकर वो लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स की चेन खोल सके, और सुंबल उसको मालदार बन के मुतासिर कर रही है। इतने मालदार लोग हैं लेकिन 2000 रुपए सालाना टैक्स नहीं देते। क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि आपका घर बहुत खूबसूरत है, 20 लाख का तो होगा। ऐसे छोटे मोटे घर तो हमने तकरीबन हर शहर में बना रखे हैं। अब बंदा जा रहा हो बाहर लाहौर से इस्लामाबाद, रास्ते में टायर पंक्चर हो जाए तो फिर गुजरांवाला में अपना घर तो होना चाहिए ना रुकने के लिए। हमने तो होम चेन बना रखी है, हमें दरअसल चेन बनाने का बड़ा शौक है। आप इतने अमीर हैं? हमने तो नोट गिनने के लिए अलग से मुलाजिम रखा हुआ है। इसको गिनती नहीं आती ना इसलिए। बॉबी कोई पानी लाओ के लिए। भाई साहब आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे, फ्रांस का, जर्मन का, ब्राजील का या सऊदी अरब का? हमारे घर में हर मुल्क का पानी है। अब तो पानी पानी हो रहे हैं। आप बहरुल काहिल का पानी पियेंगे? बॉबी बहरुल काहिल? मामा मैं इतना भी काहिल नहीं हूँ। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? दरअसल दुबई में हमारे जहाज हैं। वो तैरने वाले जहाज? दरअसल बड़े जहाज हैं इसलिए हमने घर में नहीं रखे, आसपास कोई तालाब नहीं है ना इसलिए। वो बॉबी पानी लेकर नहीं आया अभी तक? कहीं वो बाल्टी लेकर बाय एयर बहरुल काहिल तो नहीं चला गया? हाँ। तो बाहर के चक्कर। आप तशरीफ रखिए, हम आपके खाने के लिए कुछ लाते हैं। चलो आओ हम आओ नुसरत। पता नहीं सोने की प्लेटें कहाँ रखी हैं? अलमारी में रखी हुई है। हमारे मुल्क में इतने इतने अमीर लोग हैं। वो जी, वो जी मैं बड़ी खुशी हुई है। आप कौन है? ये जो बेगम साहब है मैं इनका खामद हूँ। अभी अभी आप हमारे गरीब रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। उनके तो जहाज चलते हैं, आप कहते हैं गरीब आदमी है। हमसे तो गरीब ही है। एक्चुअली मेरे मियाँ जो है ना वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मैं अपने काम से लगने नहीं देता कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। टाइटैनिक की तरह की फिल्में बनाते हैं और टाइटैनिक की तरह ही डूब जाती हैं। वैसे मैं आजकल एक फिल्म बना रहा हूँ। ये जो फिल्म आप बना रहे हैं वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी? ये तो चलने के बाद पता चलेगा, चल गई तो कॉमेडी, ना चली तो ट्रेजेडी। की बात है, हम लोग अभी गुजर रहे थे, आप यहाँ बैठे हुए थे, मना हम लोग पता है न्यू जर्सी जा रहे थे। हाँ। न्यू जर्सी अमेरिका? जब ये नई जर्सी लेती है तो फिर न्यू जर्सी ही जाती है। आपके पास इतनी दौलत है मगर आपने जाहिर तो कभी नहीं की। अच्छी मुझे इन बातों का शौक नहीं है। देखिए ना जैसे मैं बड़ा ज़हीन हूँ लेकिन मैंने कभी अपनी बातों से पता ही नहीं चलने दिया। वो तो हमारे मुकाबले में बहुत गरीब है। एक्चुअली हमारे तो बहुत बहुत ज्यादा वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। और जी डिपार्ट को छोड़े हमारे बड़े बड़े मेंटल स्टोर हैं। जी 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 जी। एक्चुअली आप कुछ खाएंगे? हम लोग तो घर पे खाना बनाते ही नहीं है। अभी हम चाइनीज गए थे खाना खाने चाइना। मैंने अपनी बीवी को बताया कि हम कल फिर चाइना जाएंगे। इतनी दौलत आपके पास तो आप कोई पान खाए मैं श्रीलंका फोन करूँ। आप
आप ये बताइए कि आप क्या खाएंगे। हाँ। क्या मंगवाया? फिलहाल तो एक गिलास पानी का दे दें, अगर पाकिस्तानी हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पाकिस्तानी मेड पानी पीना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी जाते हैं। आई एम वो अमेरिकन बंद पड़ा हुआ अंदर, वो मैं जरा खोलना चाह रहा था। ओके, गुड बाय। ओ यार, क्यों भाई, ये क्या कह रही थी भला? वो कह रही थी कि वो आपसे ज्यादा अमीर हैं। हमने कभी शो नहीं मारी ना, इसलिए, वरना हमारे यहाँ तो बर्तन भी सोने के हैं। हाँ, ना सिर्फ सोने के बर्तन है बल्कि सोने के बिस्तर भी हैं। तो सर, तुम इन्हें बताओ कि हम सलमा से कितने ज्यादा अमीर हैं। हम सलमा से इतने ज्यादा अमीर हैं, हमारे कारखाने चलते हैं कई। उनमें क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है उनमें? हमारे कारखाने हैं, हम जो मर्जी बनाए। हाँ, हम उन कारखानों में हमारा जो जी चाहता है हम बना लेते हैं। ये है इटालियन पिज्जा। ये इटली से है? हमारे पापा 10 साल पहले इटली गए थे ना। ठीक है, क्या ये इतना पुराना पिज्जा है? ओके, ये ले जी, रशियन सैलेड। बोरिस येल्सिन यही खाता है आजकल। हाँ, डॉक्टर ने उसे अच्छा खाना खाने से मना किया है। जी, बिल्कुल फ्रेश है, आज ही शौकत लेके आया है रूस से। बड़ी ठंड है वहाँ पे। हाँ जी, देखिए आप हमारे साथ मुआहदा करेंगे, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, हम ज्यादा अमीर हैं। आप हमसे डील करें जी, मैं आपको माला माल कर दूंगी। मुझसे डील करने की बात करते हैं, मुझे राशि समझ रखा है, करता हूं आपसे डील। नहीं, ये हमारे साथ ही मौजदा कर रहा है। सुम्बल, सुम्बल आजम। मेरे नाम जी सलमा है, सलमा शौकत। ये ले। सलमा कौन है? मैं हूं जी, मैं। ये ले। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी, सो काइंड ऑफ यू, आपने हमें इस काबिल समझा। सुम्बल जी, आप आइएगा कभी हमारे किसी पार्लर पर। हाँ, वैसे भी ब्यूटी पार्लर औरत की आखिरी आरामगाह होती है। जी, देखिए देखिए ये बहुत ज्यादती है, आपका वादा हमारे साथ था, आपको उसे ऑनर करना चाहिए। आपको भी ऑनर करते हैं, ये ले। मामा, हमारे कितने पार्लर्स हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये तो नोटिस है, 35 लाख। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, और ये टैक्स फौरन जमा करवा दें, वरना पाकिस्तान की जेलें पूरी दुनिया में नंबर 1 है। क्या? घर में है वो बाहर आ जाए, और जो कोई भी घर में नहीं है वो भी बाहर आ जाए। मैं कहां जाऊं? और बेवकूफ, तुम्हें बताया है, चौकीदार ने फुल रिपोर्ट दी है कि घर वाले एक शादी में इस्लामाबाद गए हुए हैं, आज रात कोई नहीं वापस आएगा। सर जी, आपने खुद ही तो कहा था किसी के ऊपर एतबार नहीं करना, मुझे आप पर भी एतबार नहीं है। चलो तलाशी लो। हैंड अप। ये क्या कर रहे हो? सर जी, आपने खुद ही तो कहा तलाशी लो। ओए अच्छा, बाबा बाबा कहाँ है बाबा? तुमने कहा है? सर जी आहिस्ता बोले, अगर रीमा ने सुन लिया ना सर जी, तो वो मेरे साथ हीरोइन नहीं आएंगी। और सर जी, मेरी फिल्म हिट हो जाएगी और मैं मगरूर हो जाऊंगा सर जी, यूं करके। सबसे पहले जो तय खाने में सरमाए से भरी तिजोरी पड़ी है ना, अगर उसे चुराने में कामयाब हो गए तो फिर फिल्म में भी अपने आप को कामयाब ही समझो। सर जी, मैंने फिल्म हीरो बनना है, ना डायरेक्टर, ना राइटर, ना प्रोड्यूसर, जो चोरी का तजर्बा कामयाब होगा। सर जी, मेरी रीमा के साथ जोड़ी कैसी लगेगी फिल्म में? रीमा के साथ तुम्हारी जोड़ी ऐसे होगी जैसे हूर के साथ लंगूर। सर जी, आप रीमा को लंगूर कह रहे हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। सर जी, मैं फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा और मेरी अखबारों में तस्वीरें आएंगी। सर जी, एक सफ़े के ऊपर तो मेरा पूरा चेहरा नहीं आएगा, नीचे लिखा होगा
बाकी चेहरा आखिरी सफे पर देखिए। अयो मैं कहां जाऊं, फोन है टेलीफोन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं वो शादी पे गए हुए हैं, हैं? हाँ जी, हम कौन है? हम डाकू हैं जी। हेलो, सॉरी जी, रॉन्ग नंबर है। सर जी, ये आपने क्या किया? मैंने इसका कान ही उतार दिया, आवाज नहीं आएगी। ओए, तुम अपनी बेवकूफियां छोड़ नहीं सकते हो। सर जी, आपने क्या किया? मेरी कोई जानने वाली थी जो मुझे आप कह रही थी। सर जी, आप क्यों कर रहे हैं? बदतमीज, तुम जो कर रहे हो। सर जी, मैं लाइट में कैसा लग रहा हूँ? हाय, मेरी माँ बचपन में मुझे कहा करती थी, बेटा तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है। लाइट नहीं जलानी, वरना पता चल जाएगा कोई अंदर है। ठीक है सर जी, अगर मुझे किसी ने पूछा ना कोई अंदर है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम्हारे अलावा कोई और भी है? हाँ, तुम्हारे अलावा एक बंदा और है। सर जी, आपने तो कहा था कोई और नहीं है, ये एक और बंदा। ओए, मैं हूँ। सर जी, आप बंदे थोड़ी हैं, आप तो डाकू हैं। बंद करो, सुनो। तिजोरी खोलने में बहुत देर लगेगी। सारा सामान लायो। सर जी, आप जितनी मर्जी देर लगाएं, मैं वीडियो कैसेट साथ लेकर आएंगे। सर जी, जिस घर में टीवी वीसीआर ना हो तो वहाँ डाका मारने का मजा ही नहीं आता। सर जी, सर जी, मैं तो अपने चमचे भी साथ लाऊं, मैं किसी के बर्तन में खाना खाता ही नहीं हूँ। वो क्यों? सर जी, मेरा हुसन मांद पड़ जाता है। बस बिल्कुल नहीं करनी। अभी मैंने तय खाना भी ढूंढ रहा हूँ। तय खाना, तय खाना। ओए बेवकूफ, तय खाना नीचे होता है। सर जी, हो सकता है इन्होंने डाकुओं को धोखा देने के लिए तय खाना ऊपर बनाया हो। अच्छा, चलो फिर। चलो सर, तो सर जी पहले लाइट तो जला लें। ओए बदतमीज, लाइटें नहीं जलानी। सर जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये अंधेरे वाला सीन है? मैं तो रोशनी वाले कपड़े पहन के आया हूँ। चलो बदतमीज, चलो आ जाओ। डाकू फर्स्ट। सब इस्लामाबाद से मरी चले गए, हमें वापस भेज दिया। सुबह कॉलेज जाना है। तुमसे किसने कहा था कि सबको बता दो मेरा कल टेस्ट है? मुझे क्या पता था, साथ मुझे भी भेज देंगे। उमा, ये दरवाजा पहले से खुला था। मामा से कितनी दफा कहा है कि बॉबी को मत कहा करें दरवाजा बंद करने को, इसका तो मुंह भी नहीं बंद रहता। टेस्ट का बता के फंसा दिया ना। उमा, भूत दरवाजा खोल सकते है? खोल तो रहा है। वो हम सारे बल्ब जला देते हैं। मैं डर तो नहीं रहा, मामा ने कहा था। सारे बल्ब जला दोगे तो रोशनी कहाँ से आएगी? जलाने के बजाय सिर्फ ऑन कर दो। तुम मामा पापा के कमरे में जाओगी, मैं अपने कमरे में। उस्ताद जी, ये लोग भी कितने बेवकूफ हैं। तहखाना नीचे बनाया हुआ है, इस तरह तो लोगों को पता चल जाएगा। उस्ताद जी, मैं जरा आराम ना कर लूं। अब बकवास बंद करें, तुम काम से पहले आराम करते हो, तुम सरकारी अफसर हो। उस्ताद जी, टी ब्रेक तो होना चाहिए ना। और टी ब्रेक नहीं है, इधर मार। तिजोरी ब्रेक कहो, तिजोरी ब्रेक। चौकीदार ने इस घर के बुजुर्ग को चलाना देना है। चौकीदार ने इस घर के बुजुर्ग से खुद सुना है कि इस घर का सारा सरमाया इस तिजोरी में है, पर इसको चाबी कोई नहीं लग रही। उस्ताद जी ठहरे, चला दो। ओए, शोर हो जाएगा। उस्ताद जी, नई चाबियों लगाने वाला मेरा एक दोस्त है। उस्ताद जी, उसको मैं ले आऊं? हम बचपन में ना
इकट्ठे हमसायों की मुर्गियों के अंडे खाया करते थे। उस्ताद जी मुझे स्कूल में भी बड़े अंडे मिला करते थे। ऊपर जा और जाके औजारों वाला वो बैग लेके आ जो तू ऊपर ही भूला है। जल्दी जा। बदतमीज। आवाज दे कहाँ है। डडडम डडडम। ओहो उस्ताद जी भी अजीब आदमी है, सारे घर की लाइटें जलाई हुई हैं। आवाज दे कहाँ है। दुनिया मेरी। ओहो ये उस्ताद जी भी अजीब आदमी है, सारे घर की लाइटें जलाई हुई हैं। हुमा ने लाइट क्यों ऑफ कर दी। ओहो उस्ताद जी ने फिर लाइट। यार ये आवाज दे कहाँ है। लाइटें ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो। नहीं नहीं वो मैं तो नहीं, वो तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रही हूँ। मेरा नाइट सूट का है। ये पूछो जो कपड़े मैं रोज कॉलेज पहनता हूँ वो का है, बैग में होगा, वही सूट तुम्हें सूट करता है। चुप करके रहो। अरे बदतमीज, बैग लाने में इतनी देर कर दी। उस्ताद जी दरअसल मैं हूँ ही हसीन, मैं जिधर से गुजरता ना उस्ताद जी वहाँ से लाइटें जल जाया करती थी और उस्ताद जी मैं उनको बुझाता फिर रहा था। अरे बच्चे बात सुनो, अब तुमने यहाँ से हिलना नहीं। उस्ताद जी आजकल हिलने वाले हीरो का दौर है उस्ताद जी। ये सर पे क्या लगा रहे हो। उस्ताद जी ये बाल उगाने वाला तेल है। उस्ताद जी आपको तो पता है ना मेरे बाल गिरते हैं। उस्ताद जी आपने कहा था ना कि गंजा हीरो नहीं चलेगा। उस्ताद जी अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई तो मेरे बाल क्यों गिरने शुरू हो गए। मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं मैं। ओए बदतमीज ये बोतल से तेल क्यों लगा रहे हो। उस्ताद जी अगर मैंने हाथ से लगाया ना तो मेरे हाथों पे बाल उगाएंगे। देखो उस्ताद जी निकाल उसार निकाल। ये है उस्ताद जी, ये तो अपने शोबे वालों का बैग लगता है। वो कैसे। उस्ताद जी इसमें बेहोश करने वाले जो सामान है सारा ये। इसमें रखो इसको। अच्छा उस्ताद जी। और जाके औजारों वाला बैग लेके आ जल्दी कर। उस्ताद जी ये पकड़े। दफा हो जा, ले जा इसको। कहती है कि उसने बत्तियां नहीं बंद की तो फिर किसने की हैं। भूत बत्तियां बंद कर सकते हैं। मैं तो मर्द हूं, मैं तो भूतों से नहीं डरता। उमा मजाक उड़ाएगी, मैं कपड़े बदल लूं। ये
क्या? उमा! एक तो इस अलमारी ने रुला दिया मुझे। मेरा बैग यहाँ पड़ा है। बॉबी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है। खाली घर में भूत होते हैं। घर में भूत हुए तो खाली कैसे हुआ? ये बैग तुमने पैक किया था ना, इसमें सारी चीजें लोहे की बन गई हैं। ये जरूर भूतों की कारस्तानी है। तो तुम खुद देख लो। मैं देख। सारी चीजें लोहे की हो गई है ना। जूता चमड़े का है, सूट कपड़े का है, और जुराबे बदबू की बनी हुई है। फिर डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं डर तो नहीं रहा हूँ। वो तो लड़कियां डरती हैं, वो तो मुझसे भी डरती हैं। बॉबी तुम सो जाओ, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। मुझे नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानी फिल्म देख लो, आ जाएगी। पता है आज टीवी पे माइकल जैक्सन की 40वीं सालगिरह की तकरीब भी है। वैसे माइकल जैक्सन 40 साल का लगता तो नहीं। लगेगा कैसे? उसकी नाक 12 साल की है, उसके होंठ 18 साल के हैं, और उसकी जिल्द इस महीने 10 साल की हो जाएगी। पता है मामा फैमिली फ्रंट का कैसेट भी लाएंगे अगर देखना है तो। मैं जा रही हूँ फिर पढ़ने, डिस्टर्ब नहीं करना आप। उस्ताद जी हाफ टाइम ना कर लें। क्यों उस्ताद जी? मैंने फिल्म देखने जाना है। उस्ताद जी रीमा आई हुई है उसके साथ। है कहाँ है रीमा? उस्ताद जी ये है उस्ताद। अरे मैं कहाँ जाऊँ? उस्ताद जी आप कहीं भी ना जाएं, आप यहीं ठहरे। उस्ताद जी उस घर में डाका मारने का मजा ही नहीं आता जिसमें वीसी और टीवी ना हो। उस्ताद जी ये अंग्रेजी फिल्म है, आपको तो पता ना उस्ताद जी, अंग्रेजी फिल्म में मेरे जैसे हीरो होते हैं। ही हूं। वो इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ हॉरर फिल्में नहीं बनती। पता नहीं ये तिजोरियां कैसे खुलती हैं। उस्ताद जी हो सकता है इस फिल्म में भी ऐसे ही सिचुएशन हो। उस्ताद जी आजकल हर हीरो को ऐसे ही सिचुएशन मिलती है। उस्ताद जी मैं अभी आया। वो बात सुना, आवाज बंद करके फिल्म देखना। उस्ताद जी है इस फिल्म को आप आवाज खोल के भी देख सकते हैं। किसे बनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो। घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर। हर मसला है एक करंट, यही तो है, यही तो है फैमिली फ्रंट। वीसीआर फिल्म देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। बुलबुल का बच्चा अम्मी ने पकाया, अबू ने खाया, बड़ा मजा आया। अम्मी ने पकाया, अबू ने। हॉरर फिल्मों का एक तो ये फायदा होता है कि उसमें हीरो मेरे जैसा होता है। रिमोट रिमोट, ओ ये पड़ा है, तू यहाँ छुपा हुआ था। बुलबुल का बच्चा अम्मी ने पकाया, अबू ने खाया। ओह मेरा पेन में कुछ गुड़बुड़ हो रही है। ऐसा ना करते जब तक फिल्म रिवाइंड होती है उस वक्त तक कुछ ना कुछ खाबा हो जाए। बुलबुल का बच्चा अम्मी ने पकाया, अबू ने खाया, बड़ा मजा आया।
उमा उमा वो तुम फिर डर गए हो। एक तो तुम हो इतने डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ पर वो वीसीआर में भूत। जाके सो जाओ, मुझे नहीं पता था तुम इतना डरते हो। भूत से ही डरता हूँ ना, छिपकली से तो नहीं। मैं तो भूत से भी नहीं डरता हूँ, मैं तो वो जाके सो जाओ। अच्छा वो ठीक है। बुलबुल का बच्चा बड़ा मजेदार है। का बच्चा ऐसे सो रहा जैसे बाप का घर हो। ये मेरे पापा का ही तो घर है। तू डायलॉग बोलने से बाज नहीं आएगा। ओए जरा सोचो, ये सोने की जगह है। ये मुझे कह रहा है जरा सोचो, इसका मतलब है इसको भी पता है कि सोचने का काम मेरा ही है इस घर में। तू ऐसे नहीं हिलेगा, मैं तेरा बंदोबस्त करता हूं। अभी अब नहा लिया है, अब नीचे आ जाओ, जल्दी करो। यही तो है फैमिली प्रण। मैं सच कह रहा हूं, उस भूत ने कहा नहा लिया, नीचे आओ। भूत को कैसे पता लगा तुम नहाते नहीं हो? भूतों को सब पता होता है। ढाका मारने का उस घर में बड़ा ही मजा आता है जिसमें वीसीआर और टीवी हो। हाय ये तो डाकू है बॉबी, अब सोचो क्या होगा। मैं क्या करूं, मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूं, या कांप सकता हूं या सोच सकता हूं। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, इस्लामाबाद तुम मरी जाने के लिए मरी जाती थी, जब वहां जाने के लिए सब तैयार हुए तो तुम यहां लेके आ गई मुझे अचानक। हर वो जगह जहां मुझे सुंबल की शक्ल नजर ना आए मेरे लिए मरी ही होता है। वैसे यहां कितना अच्छा लग रहा है, पूरे घर में सिर्फ तुम और मैं। वैसे आज दिन कौन सा है? दिन नहीं है, रात है। तुम्हें शायद याद ना हो कि आज के दिन तुमने पहली बार मुझसे इजहार मोहब्बत किया था। मैं अपनी गलतियां याद नहीं रखता, मुझे याद है तुम्ही ने मुझे याद करवाया। पहली नजर में तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। अच्छा, वैसे शौकत ये आदमियों को पहली नजर में औरतों से मोहब्बत क्यों हो जाती है? इससे उनका बड़ा वक्त बचता है। शौकत शादी से पहले तो तुम मुझे कहा करते थे सलमा मुझे हर तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। बहुत मोटी हुआ करती थी, चारों तरफ तुम ही हुआ करती थी। तुम तो मुझे ये भी कहा करते थे सलमा मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें चंद सालों में रातों रात हीरोइन बना दूंगा। कितने महंगे गिफ्ट दिया करते थे तुम मुझे। अब तो हर चीज महंगी है, सिर्फ शादियां सस्ती हुई हैं। अगर कहो तो शौकत वो इस बार शादी की सालगिरह पर मैं वहां जाऊंगी जहां गए वे मुझे मुद्दतों हो गई। अच्छा बर्ची खाने में? शौकत बस करो, अब मजाक की भी हद होती है। तुम्हें पता है मिसेस कमाल मुझे क्या कह रही थी? क्या?
मिसेस कमाल मुझे कह रही थी कि सलमा मुझे पता चला है कि तुम्हें लतीफे बहुत पसंद है। मैंने कहा आपको किसने बताया? तो कहने लगी मैंने खुद तुम्हारे शौहर को देखा। मुझे भूख लगी, मैं खाना लाता हूँ। अच्छा रुको रुको, खाना मैं लेके आती हूँ, तुम जरा फ्रेश हो जाओ। ओके फिर से कहना, ऐसे फिक्रे सुने हो मेरे कानों को अरसा हो गया। कहाँ रह गया ये शौकत? ओए यहाँ केक पड़ा हुआ है, लगता है आज मेरी सालगिरह है। आए इसे तो क्रीम चार चार के खाएंगे। आए न्यूम 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 न्यूम। शौकत आज हमारी मोहब्बत की सालगिरह है, लो केक काटो। कौन सी बरसी है? मेरा मतलब है सालगिरह। शौकत तुम नहीं काटो, मैं काटता हूँ। कट इट। शौकत ये केक कहाँ गया है? मैंने अभी तो यहाँ रखा था। यहाँ तो है ही। हाँ शौकत मुझे लग रहा है इस वक्त यहाँ कोई और भी है। जो ही वो यहाँ से गुजरेगा ये बोरी उस पे गिरेगी और वो बोरी हो जाएगा। फोन भी काटती है ना, पुलिस को ही फोन कर ले। पुलिस को कैसे बुलाते? वो तो आके पूछते डाकू का नाम पता, तो हम कैसे बताते? हमने तो डाकू का नाम पता पूछा ही नहीं। अरे 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 जी, लंच ब्रेक। हायो मैं कहां जाऊं? उस्ताद जी आप कहीं भी ना जाएं, आप ऊपर जाएं और ऊपर से खाना लेकर आए। उस्ताद जी केक के बाद नमकीन खाने का बड़ा मजा आता है। उस्ताद जी इस घर में फिर डाका मारेंगे, ये खाने बड़े बड़े अच्छे बनाते हैं। मैं अभी आया उस्ताद जी। ओए ओए तू खाली घर में इतना शोर मचाता है, मैं तो सोए हुए घरों में ऐसे दाखिल होता हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता। उस्ताद जी आप तो शादीशुदा है ना? उस्ताद जी मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैं अभी आया हूँ। यहाँ तो इतने ज्यादा खाने पड़े हैं, किस किस को खाऊं? मेरा ख्याल है पहले इसको खाता नहीं, ये तो आलू पालक है, इसको ये तो किया है, इसको खाता हूँ। मेरा ख्याल है घर वाले आ गए, अब मैं क्या करूँ, कहाँ छुपूँ? ऐसा कर दूँ आंखें बंद कर लेता हूँ, ये मुझे सारे नहीं देख सकेंगे। हाँ ये ठीक है, ये क्या कर रहे हो टेबल के नीचे? बहुत मजे का खाना बना। ओफो ये शौकत फिर रह गया, वेरी लेजी। तुम लोग रुको मैं लेके आती हूँ उसका। हुमा टेबल हिल रही है। तुम्हारा दिमाग हिल रहा है, बस करो। आ रहे बस। वो चाची टेबल। बॉबी मैं इतनी मेहनत से बर्तन लगा के सारे डिस्टर्ब कर दिए। मैंने तो नहीं किए। अच्छा अच्छा चलो बैठो आओ। भैया अभी तक आप लोग नहीं बैठे? आज तो बहुत कुछ ही पका दिया। बॉबी ये शामिल हो गई, ये फिल्मी रोज को बहुत पसंद है। अच्छा हीरो ये खाते हैं? वो चाचू आपने शामी तो दिए नहीं। आपने ऐनक जो नहीं लगाई हुई इसलिए। देखिए सारे शामी खा गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके।
चाचू आपकी फिल्म कब शुरू हो रही है? बस बेटा, जिस दिन मुझे हीरो मिल गया उसी दिन ही फिल्म शुरू हो जाएगी। चाचू आपको किस किस्म का हीरो चाहिए? एक लंबा खूबसूरत नौजवान किस्म का हीरो। ओए, इनको तो मेरे जैसा हीरो चाहिए। इसका मतलब है मेरी मंजिल इन्हीं कदमों के नीचे है। वो चम्मच गिर गया। ओ चम्मच, ये ले सर जी। थैंक यू। ये चम्मच नीचे, कौन है? कौन है नीचे? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हैंड्स अप सर जी। सर जी, मैं वो हीरो जिसकी आपको तलाश है। सर जी, मुझे एक चांस देकर दे। हैंड्स अप। जब तक मैं अपना पिस्तौल लेकर नहीं आता, हाथ नीचे नहीं करने में आ रहा हूं। ये तो वही है हीरो, बैंक डाके वाला। आपने मुझे पहचान लिया? हुए, मैं कितना मशहूर हुए। देखे, आपने अगर मुझे पहचान ही लिया है तो आप मेरी सिफारिश करें, मुझे फिल्म में हीरो ले लें। प्लीज प्लीज। तुम यहाँ करने क्या आए हो? वो जी, हम तो यहाँ डाका मारने आए थे। मेरे साथ मेरा उस्ताद भी है जी। ये आ गए उस्ताद जी। हम पकड़े गए। उस्ताद जी, ये फिल्म वाले हैं, इनसे कहें मुझे फिल्म में चांस दे दे। सर जी, मैं सही हैंड्स अप बनाऊं ना? खूबसूरत लग रहे हो। तुम यहाँ करने क्या आए थे? ये हर जगह मरवा देता है। सुना था जनाब के नीचे तिजोरी में बाबे की सारी जिंदगी का सरमाया पड़ा हुआ है। 6 घंटे के बाद तिजोरी खुली तो उसमें सिर्फ लेटर निकले। आप सुन रहे हैं ना जनाब? हाँ जनाब, मैंने सुन लिया। अच्छा, वो मेरे अब्बा के लव लेटर है जो मेरी अम्मी के नाम थे, और वो उनकी जिंदगी का सरमाया है। सर जी, आप मुझे कोई सा भी सीन देकर देखे, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। मैं तुमसे ऐसा सीन करवाऊंगा, और वो भी थाने ले जाकर। थाने? थाने चलो। सर जी, आप जाएं, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे भूख लगी है। बस बकवास ना कर। आओ खाने, आ जाओ। ठीक ही कहते हैं, जब लवियां देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के फिर देते हैं। यप सर। जी सर जी। हमारे थाने का तो छप्पर पहले ही फटा हुआ है। सर जी। सर जी, वो इन मुंजमों को हवा रात में बंद कर। सर जी, मुझे काम है, आप इनको बंद कर दें। सलाम अलैकुम। ये तो निरा स्यापा ही है। ओए, डकैतियां करते हो वो भी हमसे पूछे बगैर। चलो। और देखो बत्ती चली गई है यार। ओए अफसर जी, उनको हवालात में बंद कर दिए ना? बिल्कुल सर जी, हवालात में बंद करके आया हूँ। अच्छा किया सर जी, से अब ही हो गया है। अब क्या हो गया सर जी? गलत मुजरम हवालात में बंद हो गए हैं, और असली वाले तो वो जा रहे हैं सर जी। ओए, खाना खराब हो गया। सब उठ खड़ा हो, आ जा। ओए, इनको भाग के पकड़ ले, ये नौकरी का सवाल है। ओए सर, जल्दी घर चले। साहब जी, सर जी, आप देखिए, हमें तो छोड़े, आपने गलत बंदे बंद कर दिए। सियापैया भाई, वो तुम्हें कैसे छोड़ दे? पहले उनको तो पकड़ ले, हमने गिनती पूरी रखनी हो। सर, आपको तो 100 तक गिनती पूरी नहीं आती। अबे छोड़े, प्लीज देखे। हेलो। अरे देखो कौन आया। अरे तुम यहाँ बगैर बताए? भाई, बगैर बताए किसी के यहाँ जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सब घर पर मिल जाते हैं। बाजी, तो क्या यहाँ आने जाने से पहले भी बताना पड़ता है? ये भी हॉस्टल है। मेरा मतलब है कि सब ठीक तो है, खैर तो है ना? जब ये है तो फिर खैर कहाँ? मेरा मतलब कि
कानूनी भाई, इस बार मुझे हॉस्टल से नहीं निकाला गया, मैंने हॉस्टल को निकाला है। मेरा दिल अपनी बाजी के पास रहने को चाहता था। अब ये साली मुश्किलात पैदा करेगी। क्या? मेरा मतलब कि इस बार जो खुश्क साली पड़ी ना, इससे बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। कानूनी भाई, आपकी तो मैं एक ही साली हूँ और खुश्क मैं हरगिज नहीं, तो ये खुश्क साली कौन है? बाजी, आप आजकल क्या कर रही हैं? आई मीन समथिंग एक्साइटिंग। अब ये शुरू हो गई। बोर होती हो ना तो वुमेन क्लब चली जाती हूँ। पता है तुम्हें, आजकल हमारे क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, आप खड़ी हो जाए। क्यों, क्या हुआ? आई मीन इलेक्शन में खड़ी हो जाए। इलेक्शन जरूर लड़ना है, बड़ा टैलेंट है आप में। क्यों कानूनी भाई? लड़ने का तो बड़ा टैलेंट है, मेरा मतलब कि इलेक्शन लड़ने का। सब मेंबर बाजी को जानती होंगी? हाँ हाँ, मुझे सब बहुत अच्छी तरह जानती है, मुझे बहुत प्यार करती है, सब बहुत इज्जत करती है। गोया वो तुम्हें नहीं जानती। सलमा, तुम यंग हो, वहाँ की तमाम खवातीन मेंबर्स तुमसे बड़ी उम्र की हैं। हाँ, इसीलिए सुंबल भी तो मेंबर है। भाई, हम कह देंगे कि सलमा नौजवान खवातीन की नुमाइंदा है और सब खवातीन अपने आप को जवान साबित करने के लिए सलमा को वोट दे देंगी। या प्लीज। हाँ, इलेक्शन में खैर आप हारेंगी तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन में हार जीत तो होती नहीं, या जीत होती है या धांधली होती है। लेकिन एक मसला है, देखो आपको कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए किसी एक मेंबर से रिकमेंड करवाने पड़ेंगे, तो वो आप कहाँ से करवाओगी? भाई, बाजी ने कहा तो है कि सुंबल भी मेंबर है, उनसे रेकमेंड करा लेंगे। जरूरत के वक्त तो गधे को भी गधा बनाया जा सकता है। लीडर हो, पता नहीं, दरअसल अपनी पैदाइश के वक्त मैं बहुत छोटी थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। मामा, ये इलेक्शन लड़ने का आइडिया मेरा था ना। वैसे आजकल जो क्लिंटन कर रहा है, लगता है उसको भी आइडियाज तुम ही देते हो। वैसे इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? लड़ना तो बुरी बात है। मामा, मैंने तो नारा भी सोच लिया, आ गई छा गई, मामा छा गई। छा गई का क्या मतलब है? उससे तो लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, कोई और नारा सोचो। सुंबल, बताओ ना, उम्र क्या लिखनी है? नॉमिनेशन पेपर्स में क्या उम्र भी लिखनी पड़ती है? ओ खुदाया, ये तो सब मर्दों की चाल है, ताकि औरतों को इलेक्शन से बाहर रखा जा सके। नहीं, मैंने नहीं लड़ना इलेक्शन, सब खवातीन को मेरी उम्र का पता चल जाएगा। सुनो, देखो, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं अबव 30। नुसरत, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा देखो, 29.5 लिख दो, चलो इतना हो सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्म सलमा से रिकमेंड करवा लेते हैं। रिकमेंड तो सिर्फ मेंबर कर सकते हैं ना, मैं मेंबर हुई नहीं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक सिर्फ मेंबर्स शादीशुदा लोग हो सकते हैं। ओहो, लाओ इधर दो फिर फॉर्म। जी, इसका मतलब ये हुआ, इलेक्शन लड़ने के लिए टके टके के लोगों को मुंह लगाना पड़ता है। हेलो सिंबल जी। सलमा, आओ आओ, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। लंबी उम्र नहीं कहना, ये रेकमेंड नहीं करेंगी। सलमा, तुम बहुत कम उम्र हो, जब बातें करती हो उस वक्त तो बिल्कुल बच्ची लगती हो तुम। क्या, मैं बचकाना बातें करती हूँ? आजी, गुस्सा नहीं करना, वो रेकमेंड नहीं करेगी। सुंबल, सुंबल जी, आप कितनी वो यंग नजर आ रही हैं, माशाल्लाह। ब्यूटीफुल। अरे, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो, आओ बैठो। मानो, कैसी हैं आप? वो खड़ी हुई है पीछे, बैठी हुई चाची है। हाँ, मुझे नजर आ रहे हैं। मेरी मानो तो उसे देखने के लिए हाफसे का नहीं, आंख का इस्तेमाल किया करो। अरे सुंदर बाजी, कितना सज रहा है आप पर। 24 कैरेट का होगा। 24 कैरेट? इसमें गाजरे भी होती हैं। हाँ, वो सुंबल जी, मैं आपके पास आई थी, एक्चुअली वो क्लब के इलेक्शंस हो रहे हैं ना। हाँ, अरे सलमा,
तुम्हारी सोच मेरी सोच से कितनी मिलती है। हम भी अभी यही सोच रहे थे कि घर में से किसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाय सुंपल जी, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। आपको पता है ना, आज नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। हाँ मुझे पता है, और मैं भी यही सोच रही थी कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अपने किसी करीबी अजीज से रेकमेंड करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुंबल जी, आपने मेरे दिल की बात की है। मैं भी कागजात लेकर आई। हाय स्वीट, तुम मेरे लिए कागजात ले आई हो। वैसे मैं खुद भी कागजात ले आई थी। आप मेरे लिए कागजात लेके आई हैं? मैंने फिल कर लिए हैं। हाँ मैं लाई थी ताकि तुमसे रेकमेंड करवा लूँ। मैं तो अपने कागजात आपसे रिकमेंड करवाने आई थी। इलेक्शन तो मैं लड़ी। इलेक्शन उसे लड़ना चाहिए जो मैच्योर हो। हाँ हाँ उम्र के हिसाब से तो आप बहुत मैच्योर हैं। वैसे मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। मैं भी लड़ूंगी। मुझे तो यूं लगता है जैसे आप दोनों वाकई लड़ने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाना आई नो परेशान लिया है। बीबी आप बैठी हुई हैं, खड़ी हो जाएं, इलेक्शन का दिन है वरना लोग आपको बैठा देखकर समझेंगे कि आप बैठ गई हैं। बीबी जी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप खड़ी रहें। खुशिया हमें हर सूरत में ये इलेक्शन जीतना है। हर सूरत का क्या मतलब बीबी जी, आप बगैर सूरत के भी इलेक्शन जीत सकती हैं। मेरा बड़ा तजर्बा इलेक्शन में, कई बार इलेक्शन हार रहा हूँ। मैं तो बिला मुकाबला भी खड़ा हो जाऊँ ना तो इलेक्शन हार जाता हूँ। इलेक्शन में एक पक्की बात है बीबी जी, मैं जिसकी हमायत का ऐलान करता हूँ ना वो हार जाता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सलमा बीबी की हमायत का ऐलान कर दूँ। सलमा की हमायत का ऐलान कर दोगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? आप परेशान ना हो बीबी जी, कल से अखबारों में आपकी हमायत के बयान आने शुरू हो जाएंगे। रक्षा यूनियन अपनी और तांगा यूनियन के सेक्रेटरी का बयान भी आपके हक में आना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप बस ये बता दें कि लोग आपको वोट जो है घर के पते पर भेजे या। खुशिया ये तो क्लब के इलेक्शंस हैं। खुश रखे बीबी जी, आप क्या काम करती हैं? फिल्मों में क्लब देखे हैं, वहां तो सब कुछ होता है सिवाय इलेक्शन के। बीबी जी आप जो है ना वो अपना इंतखाबी निशान हाथी लेना, क्योंकि मैंने सर्कस वालों के साथ हाथी की बात कर ली है। ये सिर्फ क्लब के इलेक्शन है, इसमें मेंबर खवातीन ही वोट डाल सकती हैं बस। हाँ जी खवातीन का वोट बहुत अहम होता है, हमारे गाँव में तो बीवी को वोट ही कहते हैं। भला क्यों, वोट जो होता है उसका। बीबी जी इस दफा ना हम अल्लाह आपका भला करे 3-4 हज़ार वोट की बढ़तरी से जीत जाएंगे। कुल 42 तो मेंबर खवातीन है खुशिया। लेकिन 3-4 हज़ार की बर्तरी से जितवाना मेरा काम है आपको। तुम खुशिया बस ऐसे करो कि मुझे सारी मेंबर खवातीन के ना पते ला दो, मैं खुद डोर टू डोर कैंपेन करूंगी। मैं साथ जाऊंगा, मैं खवातीन को बहुत अच्छी तरह कन्विंस करता हूँ। बीबी जी मैं ये सारे पते आपको मैं ला के दे दूंगा। 150 पते तो मेरी जेब में होते हैं जी। क्या पता जी कब किसी पते का पता काटना पड़ जाए। और नारे लगवाने के लिए मैंने बंदों का अरेंज कर लिया बीबी जी। नहीं खुशिया प्लीज शोर नहीं चाहिए। बीबी जी वो चुप करके नारे लगाएंगे, शोर नहीं करते। बड़ा तजर्बा है उनका, वो तो मार्शाला में भी नारे लगाते रहे हैं। मैं पते लेकर अभी आता हूँ। इलेक्शन और जंग में सब जायज होता है। मैंने पते लेने के लिए बॉबी को बेवकूफ बनाया था। बॉबी को बेवकूफ तुमने नहीं बनाया, अल्लाह मियां ने बनाया। वैसे वो मेंबरान से जाके मैं बातें क्या करूंगी, वो तो सारी इस उम्र की हैं कि उन्हें बीमारियों के मतलब की बातें करना अच्छा लगता है। जी बस आप उन सबको कहना कि आप जवान हैं इसलिए किसी जवान को ही अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। ओके मैं आती हूँ। ठीक है। मानो कुछ ऐसा काम करो कि मानो मानो हो जाए। आइडिया, क्यों ना मैं सुंबल की तरफ से मेंबरान को खत लिख दूं कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही हैं और वोट सलमा को ही डालें। गुड आइडिया। मैं अब ये करती हूँ कि इसे बॉबी के हाथ बाय हैंड भिजवाती हूँ ताकि मेंबर्स समझे सुंबल नहीं भेजे। बॉबी ये तो मानो की आवाज है। क्या कर रहे थे? मैं चश्मा तो नहीं छुपा रहा था,
मुझे ऐनक के बगैर नजर आते हैं। आप बैठे। मैं मजाक कर रहा था। बॉबी डेट का बताओगे? ये मुझसे डेट का पूछ रही है? आज मेरी कोई डेट नहीं है, मैं फारिग हूँ, बिल्कुल फारिग। अच्छा, ये कुछ खत हैं, ये आज की डेट में घर घर पहुंचाने हैं, मेरी खातिर करोगे ना? तेरे मुझे मैं कर दूंगा। आना जाना करना है? ये मुश्किल है, आना पहले कैसे कर सकता हूँ, जाना आना कर लूं? बॉबी तुम कितने इंटेलिजेंट हो। सेम टू यू। वोट मांगने के लिए जरूरी है कि पहले मांगने का तजुर्बा। सलाम अलैकुम उस्ताद जी। तुम? ये मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तुम कहाँ से टपक पड़ते हो? हो सकता है उस्ताद जी आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो धक्का लगाना पड़े, तो धक्का लगाने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी मैंने फिल्मों में हीरो आना है, तो आप डायरेक्टर साहब की बीवी हैं तो धक्का लगाना तो मेरा ही बनता है ना जी। मैं और कोई काम नहीं। उस्ताद जी आप एक बार शौकत साहब से कहकर मुझे फिल्म में हीरो साइन करवा दे। वैसे मैंने अपने हुसन पर कभी गुरूर नहीं किया है, अल्लाह ने मुझे बनाई इसी काम के लिए उस्ताद जी। देखो मुझे उस्ताद जी मत कहो तुम। हमारे लिए तो आप ही उस्ताद जी हैं जी, आप डायरेक्टर साहब को कहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना होम डिपार्टमेंट का दबदबा ही कुछ और होता है जी। ए, ये तो बॉबी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ख्याल है जी वो खत डाल रहा है। अच्छा तो सुंबल मेंबरान के घर लेटर्स डलवा रही है ताकि सब उसको वोट दें। हीरो? आपने मुझे खूब पहचाना हीरो। पूरा 5 मन वजन उठा सकता हूँ, आप मुझे किसी भी हीरोइन के साथ लेकर तो देखें। वैसे मैंने अपने हुसन पर कभी गुरूर नहीं किया जी। अच्छा अच्छा तुम एक काम करो, देखो क्या? ये लड़का है ना बॉबी, ये जहाँ जहाँ खत डाले तुम वहां से उठा के इसको फाड़ते जाना। ओके ठीक है उस्ताद जी। वेरी गुड। बाजी बाजी आज तो मैंने वो काम किया है कि आप सुन के खुश हो जाएंगे। अच्छा आज मैंने भी बड़ी अकलमंदी का मजा। अच्छा वो क्या? तुम्हें पता है वो जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ वो हाँ। जो बंदा नहीं है वो जो हमेशा मुझे बाहर मिल जाता है और कहता है कोई हुक्म हो तो बताए मेरे आका। हाँ वो हीरो। यस वो हीरो। तुम्हें पता है वो मुझे मिल गया। अच्छा फिर? और मैंने देखा मैंने उसको एक काम कह दिया। सुंबल है ना सुंबल, सुंबल ने बॉबी को कुछ लेटर्स दिए थे मेंबरांस के घर में डालने के लिए। अच्छा मैंने देख लिया, मैंने उसको कहा ये लेटर्स जहाँ जहाँ ये लड़का डाले वहाँ से उठाओ और उसको जाया कर दो। क्या बाजी ये आपने क्या किया? वो लेटर्स तो मैंने मेंबरान को लिखे थे सुंबल की तरफ से कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही है, वोट सलमा को दें। ओ नो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, आपके लिए खुशखबरी है। तुमने सारे खत पढ़ लिए ना? जी मैं पढ़ भी लेता हूँ जी। तुम कितने ज़हीन हो।
ये तो जी अल्लाह की देन है, वैसे मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। शुक्र है खुदा का कि तुमने वो खत बगैर पढ़े फाड़े नहीं। नहीं जी मैंने बगैर पढ़े नहीं फाड़े, मैंने पढ़ पढ़ के फाड़े हैं। बीबी जब आप मुझे हीरो कंफर्म करा दें जी। कोई काम तो तुमसे ढंग का होता नहीं है, हीरो कंफर्म करा दें। हाँ उस्ताद जी आप नाराज तो ना हो, चले आप एक्शन रीप्ले कर लें। बेगम जुबैदा के आने का वक्त हुआ ही चाहता है। हाँ अगर उनका वोट मुझे मिल जाए तो मैं यूं इलेक्शन जीत जाऊं। मामा उनके एक वोट से? हाँ इसलिए कि कुल 42 तो मेंबर्स हैं, 20 वोट मेरे हैं, 20 वोट उस सलमा के, बाकी रह गए 2 वोट एक मिसेस फरीदा, वो कराची जाके बैठ गई, उनको पता भी चल जाए वो वोट डालने नहीं आती, और अगर ये बेगम जुबैदा मुझे वोट दे दे तो इलेक्शन जीतना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। आ गई लगता है, आ गई। आइए अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए ना। सलमा भी यहीं रहती है? जी दरअसल उसने मुझे खाने पे बुलाया। एक्चुअली मैंने सोचा कि दोनों कैंडिडेट को इकट्ठे देखूं। अच्छा अच्छा कौन सी डेट? कैंडिडेट्स, मामा भी कैंडिडेट से रोजा खोलती हैं। देखिए बात यह है बेगम जुबैदा कि मैंने जो आपके लिए खाना बनाया है ना वो बगैर मिर्चों के है, क्योंकि आपको मिर्चों से एलर्जी है ना, इसलिए। उफल्ला आप दोनों कितनी अच्छी हैं, कितना मेरा ख्याल कर रही हैं। मैं तो ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी। है सच्ची? मैं सुंबल भाई जल्दी से खाना तैयार करो ना, जल्दी खाना लगा। खाना वो हुमा लगा रही है, आप आइए ना बैठिए। बॉबी जाओ जरा हुमा से कहो जल्दी जल्दी, आप बैठिए प्लीज। सुंबल ने बगैर मिर्चों के खाना बनाया है और जुबैदा बेगम को मिर्चों से एलर्जी है, अब वो ये खाना खा के सुंबल को वोट नहीं देगी। हेलो हेलो अगर तो जुबैदा बेगम को खाना पसंद आ गया तो वो मुझे वोट दे देंगी, और अगर उसे सलमा का खाना पसंद नहीं, नहीं, चाची का खाना तो उन्हें पसंद आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने उसमें मिर्चे। क्या? इलेक्शन और जंग में सब कुछ जायज है। लीजिए जी। एक्चुअली मैं अपने वोट को बहुत कीमती समझती हूँ। क्या कीमत होगी उसकी? वो कह रही है वोट बहुत कीमती होता है। आप ले ना प्लीज ये। जी 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 नहीं, पहले हमने इन्हें बुलाया था इसलिए पहले हमारा खाना ये खाएंगी। खाइए ना, बहुत मजेदार बना होगा यकीनन। अच्छा तो आप खड़ी हुई हैं? जी नहीं मैं बैठी हूँ। सुंबल वो इलेक्शन में खड़े होने के बारे में बात कर रही हैं। देखिए जी मैं कुछ पुराने ख्यालात की औरत हूँ। अच्छा एंटीक थॉट्स। जी जी मेरा मतलब है कि जो अपने बुजुर्गों का एहतराम करे उनकी इज्जत करे, मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी। आप इनका खाना खाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा मजाक क्या होता है। लीजिए ना ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये लीजिए और डालिए। सुंबल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें पता है कि मुझे मिर्चों से एलर्जी है, तुमने जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन इसमें तो मिर्चें नहीं थी। आप ये लेना प्लीज, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसको ट्राई करें, ये देखिए बहुत अच्छा बना है। मुंह खोले ऐसे, दैट्स इट। देखा कितना ख्याल रखते हैं हम आपका, मैंने बिल्कुल बगैर मिर्चों के खाना बनाया। अच्छा है ना? आपकी कदर हमसे ज्यादा कौन करेगा। मुझे तुम दोनों से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे से ये मजाक करोगे। मैंने तो इतनी मिर्चें कभी कभी जिंदगी में नहीं खाई। लेकिन बात सुनिए, मिर्चें इसमें बिल्कुल नहीं है, उसमें है। नहीं 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 मिर्चें तो इसमें है, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें नहीं है कसम से। आप मिर्चें देखिए थोड़ा सा, मैंने यही तो है फैमिली फ्रंट।
होगा। बॉबी तुम भी कुछ सोचो। मामा मैं कैसे सोचूं? बिजली बंद है। उफ़ो, सुंबल वोट तो बराबर हो रहे हैं। मुझे सलमा को हराना है, एक वोट चाहिए बस। नुसरत, आज को तुमने शादी की होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, तुम्हारा भी एक वोट होता। लो, अब बंदा एक वोट बनाने के लिए शादीशुदा हो जाए क्या? मामा, मिसेस फरीद रह गई हैं। अगर उनका वोट आपको मिल जाए तो आप जीत सकती हैं। आइडिया, क्यों ना हम मिसेस फरीद को बुला लें। भाई समझा करो ना, आइडिया ये है कि सर जी, इन बेगमों में से आप किसको सपोर्ट करेंगे? वही अफसर है, वो इतनी तनख्वाह में तो मैं अपनी बेगम और बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता, दूसरे की बेगम को कैसे सपोर्ट करूंगा। वैसे सर जी, निरा स्यापा ही है। देखे ना, जनानी इलेक्शन के अंदर खाने को कुछ भी नहीं मिलता है, जिसको भी देखो चिंगम ही चबा रही है। वैसे सर जी, मैंने सुना है कि चिंगम खाने से और अंग्रेजी बोलने से दांतों को कीड़ा नहीं लगता। अफसर है, बड़ा शरारती है तू। ले भी अफसर, मैं जरा ड्यूटी दे लूं। अच्छा सर जी, ऐसे है कि जब पोलिंग मुक आ जाए ना तो मुझे उठा लेना। सर जी, इधर भी मोकमक आ होगा। मेरा ख्याल है सब भुगत गए। नहीं नहीं, अभी मिसेस फरीद ने आना है। तुम्हें कैसे पता है उसने आना? वो मेरे ख्याल में पहचाना नहीं पहचाना। असल में जब मेरी ये हालत होती है ना तो मुझे मेरी बीवी भी नहीं पहचानती। आपकी बीवी? असल में मेरा खावंद मुझे नहीं पहचानता, दरअसल मैंने अपने खावंद को कस के रखा हुआ है, इसीलिए वो खावंद कम बीवी ज्यादा लगता है। मैं मिसेस फरीद हूँ। ये मिसेस फरीद है? हाँ जी, हमें बीवी से पूछ ले, मैं मिसेस फरीद हूँ। असल में मैं पार्लर से आई हूँ ना, बाय पार्लर आई हूँ ना कराची से, इसलिए लग रहा होगा। बाय पार्लर? उनका इनका इनका कराची में पार्लर है ना, वहाँ से। हाँ जी, मेरा वोट जल्दी दे, मैंने जल्दी जल्दी वोट डाल के जाना है फिर। मुझे बड़ी जल्दी है, प्लीज जल्दी करें ना, मुझे वोट डालने का बड़ा शौक है। ये मिसेस फरीद नहीं, कोई सबूत दे। मैं तो मिसेस फरीद को जानती नहीं। बेगम साहबा, आप पोलिंग एजेंट्स को मुतमईन करें जी। ये जेंट्स तो नहीं, लेडीज हैं। इसलिए आप मेरी हालत पर ना जाएं। आप भी कराची से ट्रेन पर लाहौर आए ना तो बिल्कुल मेरे जैसी लगने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मेरा मतलब है मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ जी मिसेस फरीद। लाए मेरा वोट कहाँ है? इंशाल्लाह एक ही टेक में सीन को ओके करवाऊंगी। आप मिसेस फरीद हैं? वैसे जी, मैंने अपने हुसन पर कभी गुरूर तो नहीं किया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो उस्ताद जी से पूछ ले, मेरा मतलब है मैडम जी से पूछ ले। लगता है असली मिसेस फरीद आ गई। ये कह रही है कि ये मिसेस फरीद है, अब आप भी आ गई। कैसे पता चलेगा कि मिसेस फरीद कौन है? अच्छा, आपके पास अपना शिनाख्ती कार्ड तो होगा? जी हाँ है। दिखाएं। ये लेंगे हीरो। ओ, ओ, वो ये उनके बेटे का है। मैं लाहौर अपने भांजे के हकीकवे पर आई थी, पता चला इलेक्शन हो रहे हैं, सोचा भी डालती ही जाऊं। आपका नाम? मैं मिसेस फरीद हूं। क्या आप भी? पहले ये दोनों खवातीन कह रही हैं कि ये मिसेस फरीद है। क्या मैं मिसेस फरीद हूं? कैसे? इसलिए कि मेरे खावन का नाम फरीद है। मेरा ख्याल है खिसकना चाहिए। हिलेगा कोई नहीं, बाहर पुलिस है। मैं पुलिस। उस्ताद जी आप क्या करें? आप चुप रहे। मोहतरमा, आप सबूत दें जी कि आप ही मिसेस फरीद हैं। एक मिनट, मैं बताती हूँ। मैंने कहा सुनते हो? भाई तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं सुनता भी हूँ। ये फरीद हैं, ये दोनों कह रही हैं कि हम मिसेस फरीद हैं,
आप इनसे इनको बताएं कि हम तीनों में से मिसेस फरीद कौन है। अभी बता देते हैं, ऐसी क्या बात है। सोच क्या रहे हो, बताओ ना। चुनने का मामला है, कुछ टाइम तो लगेगा। मैं तो मशरकी हूँ। तो ठीक है, ये है मेरी बीवी। मेरा ख्याल है आपने पहचाना नहीं है। बीवी जी ने बताया, मैं तो खुशियाँ हूँ। हाँ, ये तो मर्द है। वैसे तो मैं भी मर्द ही हूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो है ना, इनसे अच्छी रही है। क्यों उस्ताद जी? ये मैं आपको बताता हूँ। पुलिस। पुलिस। हाँ जी, ये कानून को किसने आवाज दी है? जाली खवातीन बनकर ना जाली वोट डाल रहे थे। कौन? नहीं जी नहीं, हम तो सलाबजद गाना है, हम तो मशीनें लेने आए थे जी। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची तो बिल्कुल मुझ पे गई, सुबह से पढ़ रही है। तुम पर गई है? हाँ। लेकिन तुम तो कह रही हो कि वो पढ़ रही है। तो नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम इतना पढ़ती थी तो फिर तुमने बीए क्यों ना कर लिया? नुसरत, शादी की वजह से। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो शादी के बाद मैं कैसे कर सकती थी बीए? अच्छा चलो ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलना, ऊंची आवाज से वो डिस्टर्ब होगी। वैसे सुंबल, हुमा वाकई तुम पर गई है। बॉबी, ये तुम क्या कर रहे हो? हैं? मामा, मैं लूडो तो नहीं खेलने आया था, वो मैं तो आया था कि हुमा अकेली थी, तो एक और एक 11 होते हैं ना। पॉपी, तुम्हारी मैथ्स कितनी कमजोर है, एक और एक 2 होते हैं, 1+1=2। हुमा, कल तुम्हारा पर्चा है, तैयारी कर ली है ना? जी, पूरी तैयारी कर ली है मैंने, कपड़े भी इस्त्री कर लिए और मैंने जूते भी पॉलिश कर लिए। जब से इम्तिहान टीवी पर दिखाए जाने लग गए ना, इम्तिहानों की तैयारी अब ब्यूटी पार्लर्स में होना शुरू हो गई है। हाँ बेटा, अगर तुम पास हो गए ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें बॉबी की तरह गाड़ी लेके देंगे। हाँ मामा, ये कहें कि अगर फेल हो जाएगी तो मेरी तरह की कार लेके देंगे। बेटा, तुम्हारा पर्चा कौन सा है सुबह? साइकोलॉजी का, मैं लेके आया था ना डेट शीट। हुमा, तुम पास तो हो जाओगी ना? इस दफा तो हुमा कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ देगी। नहीं नहीं, मेरी बात बॉबी, देखो इसको समझाओ। अब देखो हुमा, बॉबी की तरह तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, इम्तिहान देना और घर आ जाना, कुछ ना तोड़ना प्लीज। मतलब था कि इस दफा हुमा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। अच्छा, भला ये तुम कैसे कह सकते हो? हैं? वो हमने खुशिया से पर्चा तो नहीं आउट करवाया, अब वो मैं हुमा को पढ़ा रहा था, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह आती है, सारे कॉलेज वाले मुझ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे शऊर, लाशऊर, फिर शऊर और लाशऊर। तुमने देखा मेरा बेटा कितना जहीन है? मामा, मैं इतना जहीन हूँ कि किसी को पता नहीं चलने देता कि मैं कितना जहीन हूँ। सुंबल, भाई आजम ने कहा है कि जब पढ़ रहे हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे। आओ। अच्छा ठीक है, बंद करो ये लूडो, चलो। खुशिया पर्चा लेके कब आएगा? मुझे तो साइकोलॉजी का एक लफ्ज नहीं आता। मुझे तो साइकोलॉजी के बहुत से लफ्ज आते हैं। साइकोलॉजी पी से शुरू होती है, पहले पी, जैसे चाय पी, पानी पी। कब आएगा? कहाँ है? तुम नहीं है, तुम नहीं, हमेशा करते हो, देर कराते हो, मुझे पता है। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना नहीं? पहचाना? पहचान तो लिया आपने, मौला खुश रखे, प्रोफेसर लग रहा हूँ ना। वैसे 2-3 साल प्रोफेसर रहा भी हूँ। प्रोफेसर आमल नजूमी, हाँ, लोग मुझे आदिक आते थे, वो समझते थे हम इसको आदिक आ रहे हैं, हालांकि मैं उनको आदिक आता था। खुशिया, मेरे पर्चे का क्या बना? मौला कुछ रखे यार, हुमा पर किसने पर्चा दे दिया? लड़कियों पर पर्चे अच्छे नहीं होते, लड़कों की और बात है, लड़कों पर जब तक कॉलेज में 2-3 पर्चे ना हो, घर वाले यही समझते कि हमारा बच्चा पाबंदी से कॉलेज ही नहीं जाता। खुशिया, हुमा का सुबह इम्तिहान है, तुमने इसका पर्चा लाना था। खुश रखे, इम्तिहान तो मेरा था और मैं उसमें हो गया कामयाब, ये ले रखे। शुक्रिया खुशिया, ये तो एमएससी साइकोलॉजी का पर्चा है। मौला खुश रखे, एमएससी का पर्चा है? आप तो खुश हो कि मैं आपको तरक्की करवा रहा हूँ उसी रेट पर, आप मेरी माने आप सीधा एमएससी का पर्चा दें। मेरा तो एफए का पर्चा है। मौला खुश रखे, आपको मैंने पहले भी कहा आप पर्चों के चक्कर में ना पड़े, आपको मैं इतने पैसों में ना एफए की डिग्री ले देता हूँ, चले आप पुराने गाहक हैं, आपको में मैं आपको एमए करवा देता हूँ, मुझे तलीम फुलाने का बड़ा शौक है। तो मेरे पुराने कई मुलाजम ऐसे अफसर हैं जो
वाले चिट्टे अनपढ़ थे, मैंने उनको एमए इकट्ठा करवा के दिया है। जो दो एमए करता है ना उसको हाफ एमए की डिग्री मुफ्त देता हूँ। बचड़ा एमए हुआ 16 जमातों का और हाफ एमए 8 जमातों का हुआ ना। इशिया तुमने तो फोन पे कहा था कि जिसने पर्चा बनाया तुम्हारे बहुत करीब है। मौला गुजरा के मैंने कौन सा झूठ बोला था, जब मैं आपके साथ बात कर रहा था ना वो बिल्कुल मेरे करीब बैठा हुआ था। अगर आपने एमएससी नहीं करनी ना तो आप इम्तिहान दे, बूटियां आपको मैं भिजवा दूंगा। जड़ी बूटियां नहीं, मेरा बॉटनी का नहीं साइकोलॉजी का एग्जाम है। साइकोलॉजी का पर्चा, फिर तो मसला ही हल हो गया। तुम्हें साइकोलॉजी आती है ना? हाँ आती है, टीचर साइकोलॉजी पढ़ाते हुए मेरी मिसाइलें देते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाते हुए ना। मालो कुछ रखे, आपको साइकोलॉजी आती है, मसला ही हल हो गया। आपके लिए पर्चा मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारा पर्चा तुम दे दो। जी जी। जी अब जाओ, मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। जाओ ना। सर, कमरा इम्तिहान देख मुझे अपने बचपन का जमाना याद आ गया। मैं भी बड़े इम्तिहान दिया करता था। पांचवीं का इम्तिहान मैंने 6वीं बार दिया था। जी, आप भी मेरी तरह तालीम के बहुत ही शौकीन निकले। मैं तो सर जी आज भी अपने सराहने के नीचे ढेर सारी किताबें रख के सोता हूँ। हाँ जी सर जी, उससे पता है क्या, सराहना ऊंचा रहता है ना। अब सर मैं भी स्कूल लेट जाया करता था। अच्छा सर जी। सर जी हमारे स्कूल के अंदर लेट नहीं सकते थे, जब तक छुट्टी नहीं होती ना जब तक बैठे ही रहना पड़ता था। अब सर मैं स्कूल की बस्ता लुका के ना खेला करता था। अच्छा सर जी, कौन सा बस्ता, बस्ता अलफ या बस्ता बे? अब सर ना समझ है तू। ओए मेरा मतलब है कि मैं बचपन में बड़ा इंटेलिजेंस हुआ करता था। अच्छा सर जी। पर सर जी आपने तो कहा था कि आप कभी इंटेलिजेंस में रहे ही नहीं है। ओ मिस साहबा रुके जरा, मर गए लगता है, इन्हें पता चल गया। जी क्या बात है? अफसर। हाँ जी सर जी। तुमने कोई मर्दाना आवाज सुनी है? हाँ जी सर जी, अभी सुनी है, अभी आप बोले थे ना। वही अफसर, वो आपकी पेंसिलें गिर गई हैं। जी मिस साहिबा जी, ये है मेरे हाथ में आपकी ऐनक जी। शुक्रिया, थैंक यू। सर जी, सर जी कुछ गौर किया आपने? ये तो लड़का था सर जी। हैं? हाँ जी लड़का था। हाँ जी। ओए अफसर, वो जो लाल दुपट्टे वाली लड़की है ना उसकी आगे आगे बैठा है वो, देखो। हाँ जी सर जी, वो बैठा है सामने। नजर आ गई है? हाँ जी। ले भी ऐसी है कि आप प्रिंसिपल साहब को लेके आए। अच्छा, आजा काम बन गया। चले सर जी। वो मैं हुमा हुमा हुमा। कौन हुमा? अच्छा अपनी रोल नंबर स्लिप दिखाइए। देखिए आप अपने रोल नंबर पे जाके बैठे प्लीज जी।
थैंक यू। अब सब जल्दी आ जाओ। प्रिंसिपल साहब, ये है वो लड़का जो बुर्का पहन कर अंदर आ गया, पर मेरी नजर से कैसे बच सकता था? हाँ जी मैडम साहिबा, सर जी की नजर से तो कोई भी नहीं बच सकता, इनकी नजरें इतनी तेज हैं, ये एक नजर से देख के ना बता देते हैं कि इस आदमी की जेब में कितने नोट हैं। नोट किया आपने? प्रिंसिपल साहिबा, हमने इतना बड़ा केस पकड़ा है, अब तो मेरी तरक्की करवा दें, आप आई जी साहब की बीवी हैं। साची क्यों अपनी तरक्की के पीछे पड़ गए हैं? ये आई जी साहब की बीवी नहीं है, आई जी साहब इनके खाउंड हैं। मेरे कॉलेज में लड़का यहाँ तो मेरे हुक्म के बगैर चिड़ी नहीं पर मार सकती। साची लगता है इधर चिड़ियों को उड़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती होगी। ये है जी वो लड़का। हाँ जी जी, देख लेती हूँ मैं। स्टैंड अप लड़के, कौन हो तुम? यस मैडम, मैं तो लड़की हूँ। सर जी, वैसे मुलजमों की बात का यकीन नहीं करना चाहिए, ये लड़का ही ठीक। शट अप। सर जी आपको कह रही है। शुक्रिया। थैंक यू बेटी, तुम बैठो। मुझे तुम दोनों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं लग रही, अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना तो तुम दोनों की पेटी उतरवा दूंगी। ठीक है। कितनी कितनी प्यारी लड़की है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई तभी आप हैं कौन? मैं लड़का तो नहीं हूँ। भाई वो तो मुझे मालूम है, ये हुमा का रोल नंबर है, ये उसकी सीट है, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तुम हुमा को जानती हो? मैं वो मैं उसकी भाई बने, मैं हुमा ही तो हूँ। भाई अगर तुम हुमा हो तो ये बुर्का क्यों पहन के आई हो? मुझे सर्दी लग रही है ना। मुझे पता चल गया है। इसे पता चल गया है? आपको पता चल गया है? जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम बुर्का क्यों पहन के आई हो। तुम जरूर बूटियां लेके आई होगी, अगले पेपर में मैं भी बुर्का पहन के आऊंगी। नो टॉकिंग। ये तो मैथ का पर्चा है। भाई मैथ के एग्जाम में मैथ का पर्चा नहीं होगा तो किस चीज़ का पर्चा होगा? पर आज तो साइकोलॉजी का पर्चा था, मैं खुद डेटशीट देख के गया था। अब क्या थी? भाई आपने डेटशीट गौर से नहीं देखी होगी, आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को मैथ का पर्चा है, साइकोलॉजी का पर्चा 13 अक्टूबर को है। क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है आपको? जी वो कुछ नहीं, वो पानी पानी। नो टॉकिंग। नुसरत। हाँ। ये कमरा इम्तिहान में हमारी हुमा तो नजर नहीं आ रही। हाय वो तो मेरे बुंदे पहन के गई है, मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी टीवी पर मेरे बुंदे कैसे लगते हैं। ओहो तुम बुंदों को छोड़ो, मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि टीवी पर हमारी हुमा आ रही है। बॉबी उसे छोड़ने गया था, वो भी अभी तक वापस नहीं आया, क्या हुआ है? मुझे तो परेशानी हो रही है। तो परेशानी की कौन सी बात है, बॉबी साथ है उसके। नुसरत यही तो परेशानी की बात है कि बॉबी साथ है उसके। क्या पता वो मोटरसाइकिल चलाते चलाते कुछ सोचने लग गया हो। हाय मेरा ख्याल है कॉलेज जाकर पता करते हैं। है? हाँ अच्छा चलो फिर चलो। चलना चाहिए चलो। ओए अफसर, ओए मुझे ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का लड़की कैसे बन गया। सर जी आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, और मेडिकल साइंस की वजह से सब कुछ मुमकिन है सर जी। सर प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी बेइज्जती की। सर जी आपके लिए तो बेइज्जती कोई मसला ही नहीं है, आप शादीशुदा जो हैं। असल मसला तो सर जी तरक्की का है। हाँ मैंने भी अफसर तरक्की हासिल करके रहना है, मुझे लगता है कि लड़का बुर्का पहन के अभी तक अंदर ही है, हमें हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। अच्छा सर जी
ठीक है सर जी। ओए। हाँ जी सर जी। तुम किधर जा रहे हो? सर जी आप ही ने तो कहा है कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ना चाहिए, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ सर जी। ओए। अरे तो अफसर की समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे बैठ का एक भी सवाल नहीं आता, पता नहीं उमा कहाँ है। उसे कैसे पता चलेगा कि मैं बॉबी बोल रहा हूं? उमा, उमा, मैं बॉबी बोल रहा हूं। दूसरी बार पानी पीने आया हूं, एग्जामिनर को शक पड़ गया। सर जी ये तो कोई मर्दाना आवाज लगती है। हाँ तुम सही कह रहे हो अफसर, चलो चलो चल के मुलाजा फरमाते हैं वकुआ है? चले सर जी। उमा लगता है वॉकमैन सुन रही है, इसीलिए इसका नाम वॉकमैन रखा गया। लड़कियों के लिए होता तो वॉक वुमेन होता। सर जी मुल्ज़िम को देखे खिड़की के साथ जुओं की तरह चिपका हुआ है। बस चुप रह तुम। सर जी आपको तरक्की मुबारक हो। सर शुक्रिया भाई। अफसर तुम जहाँ पे ड्यूटी दो मैं प्रिंसिपल साहिबा को लेके आता हूँ, अब कहाँ बच के जाएगा बच्चू। ठीक है सर जी, फिक्र ही ना करें। हुमा excuse me जितना बच्चू चाहे मुंह धो लो, ऐसी धुलाई करूंगा के ये कुंडी तो बड़ी खोचल लगती है, लेकिन मेरे से ज्यादा खोचल तो नहीं हो सकती ना। बच्चू जितनी चाहे जनाना आवाज निकाल लो, पर मैंने कुंडी नहीं खोलनी। ईमान से इस दफा तो मेरी तरक्की पक्की। पहले भी तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। नहीं नहीं प्रिंसिपल। अंदर कौन? प्रिंसिपल साहब ईमान से इस दफा लड़का है वॉशरूम के अंदर। पहले तुम कह रहे थे कि बुर्के के अंदर लड़का है, अब तुम कह रहे हो कि वॉशरूम के अंदर लड़का। अंदर ही है जी। सर जी ऐसे करें कि आप अपने मुबारक हाथों से ये कुंडी खोलें, ये आपकी तरक्की की कुंडी है। अलर्ट रहना यार। सर जी आप फिक्र ही ना करें, हम आदि मुजरम हैं। आदि मुजरम क्या मतलब? जी मतलब ये है कि हम ऐसे मुजरमों के आदि हैं। सर जी आप ठहर जाएं, मैं जरा निशाना ले लूं, हथियार मेरे पास है, मैं अखलूत के साथ खेलता रहा हूँ। ओहो फजूल बातें मत करो, खोलो। निकला है बच्चे। ये सब क्या है? इन लोगों ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये सब क्या है? मान से प्रिंसिपल साहबा ये लड़का थी, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रही थी, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है जी। मैडम जी इसीलिए कहते हैं कि गुनाहगारों की बात का एतबार नहीं करना चाहिए। चलो बेटा तुम अपना पर्चा हल करो। यस मैम। इनका हल मैं निकालती हूँ। प्रिंसिपल साहबा आईजी साहब को मत बताइएगा जी, ईमान से ये लड़का था जी, पता नहीं लड़की कैसे बन गया। वैसे मैं तफ्तीश से साबित कर सकता हूँ कि ये लड़का है। भाई को तो बहुत साइकोलॉजी आती है, अब तक आधा पर्चा तो हल भी कर लिया होगा। हे आज तो मैथ का पेपर है।
अल्लाह, इस लड़के से कोई काम ठीक नहीं होता। डेट शीट भी गलत नकल की है। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए होती है। ओह गॉड। ए, कहाँ है प्रिंसिपल का दफ्तर? इस लड़की से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, बताएंगे आपके प्रिंसिपल का दफ्तर कहाँ है? वो उस तरफ। आपने क्या कहना है? कहना क्या है, शिकायत करनी है? हमारी बेटी की जगह में कोई और बैठा इम्तिहान दे रहा है। ओ नहीं, आप प्लीज उनके पास ना जाएं। क्यों ना जाएं? क्यों ना जाएं? हमें अगर शिकायत लगाने के लिए ऊपर तक भी जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे। नो सर, इस इमारत की कितनी मंजिलें होंगी? कई हैं। तुम क्यों पूछ रही? मैं ये देख रही हूँ ना कि हमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा। मामा, दरअसल मामा, हुमा, तुम इम्तिहान क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम मुझ पर गई हो? नहीं, वो बॉबी ने कहा था कि साइकोलॉजी का पर्चा है, बुरका पहन के मैं दे आता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाय नुसरत, तुमने देखा मेरे बेटे को इल्म का कितना शौक है। नहीं, लेकिन उसने डेट शीट गलत कॉपी की थी। है? आज मैथ्स का पेपर है और बॉबी को मैथ्स नहीं आती। मैथ्स नहीं आता? लड़कों को मैथ्स नहीं आता, लड़कियों को मैथ्स नहीं आती। क्या होगा? छठी बार पानी पीने आया हूं। पानी पी पी के पानी पानी हो गया हूं, लेकिन हुमा का कुछ पता ही नहीं है। किसी से पूछ लेता हूं। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बहन हुमा को तो नहीं देखा? ओ मिस जी, जब तक कोई मशकूक ना हो हम उसको नहीं देखते। हाँ जी, और क्या। थैंक यू, शुक्रिया सर जी। ये तो लड़का है। लड़का? जी। ये लड़का नहीं हो, मेरी तरक्की। चलो सर जी। भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। हाँ। समझता क्या है तू अपने आप को? हैं? करे ना। तो मैं अपनी बहन की जगह पर्चा देने तो नहीं आया था? पर्चा तो अब होगा बच्चों थाने में। ओए ओए, मर्द होके गर्ल्स कॉलेज में बुर्का पहन के आता है? मैं मर्द तो नहीं हूँ। स्यापा ये सर जी, वो तो फिर क्या हो? मैं तो लड़का हूँ। ये लड़का? ओए तो फिर मैं ही तो मैं कहते चले चले अफसर सर इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दरअसल मैं हूँ रोजनामा दिल्ली से। मैंने आपका ना इंटरव्यू करना था। हमें ये पता चला है कि आपने कारनामा अंजाम दिए, जान पर खेलकर एक लड़की को पकड़ा है। जी पकड़ लिया, ये देखो। ये इंटरव्यू के लिए आप इधर इसमें बात करें। अच्छा अच्छा जी, बताइए। ओए अफसर, ओए मेरी शोहरत तो चारों तरफ फैल गई है। इसमें बोले, इसमें बोले। हाँ अच्छा, उधर नहीं, इधर इधर। अच्छा तो आप अफसर हैं? नहीं जी, अफसर मैं हूँ। इसका तो नाम अफसर है, मुझे अफसर कहते हैं। ये अफसर दिखाई देता है, मेरा नाम मुलाजम है। हाँ जी, सर को इनकी बीवी इनके नाम से बुलाती है जी घर के अंदर। वैसे तो ये हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन घर में ये आईजी कहलाते हैं। हाँ जी, ये जब भी अपनी बीवी को आवाज देते हैं ना जी, तो वो कहती है आईजी। प्यार से। वही इंटरव्यू मेरा हो रहा है, मुझे बोलने दे। जी ये बताइए, आपकी तालीम क्या है? आप बोले सर जी। ये पूछ रही हैं तुम कितने पढ़े हो? बड़ा ही पढ़े हैं जी, सारे का सारा अखबार पढ़ लेते हैं इक्को साह के अंदर। और वो जो अंग्रेजी फोटुओं वाली अखबार होती है ना, उसको तो फर 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 करके हम पढ़ लेते हैं जी। आपने हमारी फोटो नहीं खींची जी? वही अफसर। हाँ जी। नहीं, नहीं, फोटो के चक्कर में हमसे मुलजम रफू चक्कर हो जाती है। बस शुक्रिया जी, चुप बस चुप। शुक्रिया। हाँ, अब कल के अखबार में आप अपना कारनामा पढ़ लीजिएगा। कारनामा सर जी? पर हमारे पास तो कार है ही नहीं। चलो आगे लगो, चलो चलो चलो। हाँ जी चलो। पता चले फिर आ गए जी। हमने वो लड़का बरामद किया जो लड़की के रूप में इम्तिहान दे रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लगता। सर जी, ये आपको कह रही है। शुक्रिया जी। वैसे ये 100% लड़का है,
रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मैं खुद लेकर आया हूं इसे। ओए बताओ प्रिंसिपल साहब को, नकाब उठाओ। तो ये लड़का है? हाँ जी लड़का है वो जी। ये बात है, देखे हम कितने एफिशिएंट हैं। आप जी से मेरी सिफारिश जरूर कीजिएगा। मेरी भी कर दें जी। हाँ जी जी जरूर सिफारिश करूंगी कि तुम दोनों को पागलखाने भिजवा दो। ये लड़का है